सबसे पहले है ब्रह्मा, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं और जिनके विचारों से ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज का निर्माण होता है। इस विशाल असीम अनुभूति में ब्रह्मा का एक दिन मनुष्य के 4,32,00,000,000 वर्षों के बराबर होता है, अर्थात एक महादिवस जिसमें धरती के चारों युग बारी बारी आते जाते हैं, जैसे ऋतुओं का आना जाना होता है। काल के इसी ताने बाने में पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व समाया हुआ है। जैसे वसंत ऋतु की सुबह होती है, वैसे ही है सतयुग, जहां उत्तम पुरुष और स्त्री हजारों वर्षों तक सुख और आनंद से भरी इस धरती पर जीवन बिताते हैं। न दुख, न अत्याचार, न रोग, न भय, परंतु परम ज्ञान, परम सुख पाने वाले मनुष्य भी इस काल चक्र से नहीं बच पाते और इस तरह दूसरे अर्थात त्रेता युग में धरती पर लालच के रूप में बुराई जन्म लेती है। इसी युग में जन्म लेते हैं श्री राम, जो अज्ञान और अधर्म को मिटाने की क्षमता रखते हैं। युद्ध का जन्म होता है, युद्ध के साथ साथ जन्म लेते हैं महायोद्धा। ये वो पुरुष और स्त्री योद्धा थे जिन्होंने दूसरे युग की संस्कृति के विनाश को रोकने के लिए धरती पर जन्म लिया। ये मानव हर मापदंड से उत्तम थे और इनमें भी वही गुण थे जो सतयुग के मानव में थे। किंतु तब आरंभ होता है तीसरा युग, अर्थात द्वापर युग, और इन महायोद्धाओं के जीवन में जन्म लेती हैं नई पीड़ाएं, रोग, दोष और क्षय। भविष्यवाणी के अनुसार इस तीसरे युग का अंत बहुत जल्दी आएगा, युद्ध क्षेत्र में, समय की संधि में। जब हमारा ये तीसरा युग समाप्त होगा, तब आरंभ होगा चौथा युग और वो युग कहलाएगा कलयुग। यहाँ धन ही धर्म होगा, पैसा ही भगवान होगा, यहाँ स्वार्थ ही बड़ा शिष्य होगा, कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा, हर चीज का मोल लगेगा, सब पर पागलपन सवार होगा। इस युग में जन्म लेने का अर्थ है हर समय डरे रहना, चारों ओर आतंक ही आतंक होगा और युग के अंत में दुष्टता धरती को निकल जाएगी, धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। अंततः जब कपकपाती धरती समाप्त हो जाएगी, तब 7 सूर्य के रूप में जन्म लेंगे रुद्र, जो हर चीज का विनाश कर देंगे और इस तरह एक बार पुनः सारा ब्रह्मांड शून्य में विलीन हो जाएगा। ये 4 युगों की कहानी जो तुम जानना चाहते थे, और देखा जाए तो आज हम सब तीसरे अर्थात द्वापर युग के अंतिम वर्षों में हैं। अब हमारी बारी है कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाएं। एक बात बताइए, अगर आने वाले समय में बुराई की विजय होगी तो क्या अर्थ है हमारे जीने का, हमारे वनवास का और दुर्योधन के साथ हमारे युद्ध का? मैं केवल कहानी सुनाता हूँ, उसके पीछे छिपे अर्थ मैं नहीं जानता, वो तो श्री कृष्ण जानते हैं। कलयुग में सच्चाई की रोशनी धीमी पड़ रही है, परंतु पूरी तरह बुझी नहीं है। उस युग में, उस संकट की घड़ी में लिपटा कोई भी मनुष्य अगर एक बार मेरा नाम स्मरण कर ले तो उसके सारे संकट मिट जाएंगे। यही कारण है कि कलयुग में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस युग के बाद एक नई सुबह होगी और होगी नए सुनहरे युग की शुरुआत। किंतु हाँ, यदि तुम 5 भाई होने वाले युद्ध में अपने शत्रु कौरवों को हराने में असमर्थ रहे तो ये सत्य अंधकार में कहीं खो जाएगा, युगों का यह चक्र यहीं थम जाएगा, कोई जीवित नहीं बचेगा। आने वाली पीढ़ी को तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के इस युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा है महाबली भीम। आने वाले युग में हर मनुष्य के सामने कभी ना कभी ऐसा क्षण आएगा जो युद्ध भूमि का रूप लेगा, और ऐसे समय में वो अपने मार्गदर्शन के लिए तुम्हें याद करेंगे। तुम्हारी विजय या पराजय समस्त मनुष्य जाति के भाग्य का निर्णय करेगी। क्या तुम तैयार हो? हम उसी पर अपना अधिकार स्थापित करने आए हैं जो हमारा है मेरे भाई। इतने समय तक महल से दूर रहने के कारण तुम अपने महाराज के आगे सिर झुकाना भूल गए मेरे भाई। मैं तुम्हें सिखाता हूँ झुकना किसे कहते हैं, अहंकारी दुर्योधन। जाओ भीम। उत्तम युधिष्ठ, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है कि तुम अपने भाइयों की ढोर बराबर खींच कर रखते हो। हम यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आए हैं दुर्योधन,
दावों के अनुसार हम अपना दंड भुगत चुके हैं। 12 वर्षों तक हम अपने राज्य से बाहर रहे और 13वां वर्ष हमने वेश बदलकर अज्ञातवास में बिताया। और तो और, हम आग से भी बच निकल आए। दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हम अपना दंड भुगत चुके हैं और वापस आ गए हैं ताकि अपने राज्य पर अपना अधिकार जमा सकें। तुम्हारी यही तो समस्या है युधिष्ठ, तुम्हें लगता है पूरे जगत पर तुम्हारा अधिकार है। जीवन भर मैं यही सुनता आया हूँ कि पांडव कितने महान, कितने शक्तिशाली हैं, प्रजा उनके लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब तुम यहाँ नहीं थे तब किसी को तुम्हारी चिंता नहीं थी और आज भी नहीं है। प्रजा भली भांति जानती है कि उनका सच्चा राजा कौन है दुर्योधन। मुझे ये प्रमाणित करने के लिए विवश ना करो। इतना दुस्साहस! अब बस भी कीजिए दुर्योधन भैया, मेरे सामने ये क्रोध से भरा व्यक्ति कौन है दुर्योधन भैया? हम वही मित्र हैं ना जो रेगिस्तान में साथ साथ खड़े होकर अपने शक्ति बाणों से निशाना लगाया करते थे। प्रकृति के बारे में पढ़ते हुए हम एक दूसरे की सहायता किया करते थे। भीम भैया के साथ मिलकर आप ही ने नाग लोक के नाग सैनिकों पर विजय प्राप्त की थी ना? वो आज भी हमारी वीरता का गुणगान करते हैं। मैं जानता हूँ अब वो समय नहीं रहा, पर मैं सच कहता हूँ भैया, मैं आज भी वही अर्जुन हूँ जो तब था। भैया कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य होगा हमारे बीच की इस कड़वाहट को मिटाकर फिर से शांति लाने का। अर्जुन तुम्हारी बातों में सच्चाई है। हे महाराज, मेरी ये विनती है कि आप इस महान योद्धा के शब्दों पर विचार करें, क्योंकि ये सबसे बुद्धिमान योद्धा है। महान योद्धा, बुद्धिमान योद्धा, अच्छा क्षमा करे पितामह, परंतु महान योद्धा जो चाहे उसे पाकर रहते हैं, भिखारियों की तरह भीख में नहीं मांगते। अच्छा तो एक बात बताओ महान योद्धा, लोग जो कह रहे हैं क्या वो सत्य है? वन में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? उड़ते उड़ते मैंने ये बात सुनी है। हमारा अपमान करना बंद कीजिए। आप भली भांति जानते हैं कि आप युद्ध में हमसे नहीं जीत सकते, इसलिए अवसर दे रहा था कि आप शांति समझौता कर लें। तुम मुझे शांति समझौते का अवसर दोगे? लगता है वन में भटकते भटकते तुम ये भूल गए हो कि मेरे साथ कौन कौन है। आचार्य द्रोण, जिनकी रणनीति का पूरे संसार में कोई तोड़ नहीं, जिनके शस्त्रों के आगे कोई नहीं टिक सकता। कर्ण, जिसका तुमने अपमान किया, परंतु ये तुमसे अधिक कुशल धनुर्धर और योद्धा है। मैंने इसे वो सम्मान दिया जिस पर इसका अधिकार है। और भीष्म पितामह, जिनकी मृत्यु उनकी मुट्ठी में है, इन जैसा महायोद्धा और कोई नहीं, और ये पलक झपकते ही तुम सबका विनाश कर सकते हैं। मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा, तुमने अपने राजा को धमकाने का दुस्साहस किया है। तब तो दुर्योधन, हमारे सामने केवल एक ही मार्ग बचता है। आज से 30वें दिन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हमारा सामना होगा। मैं तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है युधिष, स्वीकार है। किंतु जाने से पहले एक छोटा सा संदेश लेते जाओ। प्रिय द्रौपदी से कहना हम उसको बहुत स्मरण करते हैं। उसका नाम लेने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अपने कुत्ते को संभालो युधिष। समाप्त कर दो इन्हें। नहीं महाराज, कृपा करें मुझे ये आदेश ना दे। किंतु मैं आदेश दे चुका हूँ, इन राजद्रोहियों को मार डालिए। किंतु हे महाराज, इन्होंने आपको युद्ध भूमि पर युद्ध करने की चुनौती दी है। यहाँ इनकी हत्या करना योद्धाओं की मर्यादा का उल्लंघन होगा, और उस मर्यादा का भी जो आपके पूर्वजों ने बनाई है। हमेशा की तरह आपने आज भी उचित कहा भीष्म पितामह, हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। युद्ध भूमि में तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी दुर्योधन, किंतु पहले मैं तुम्हारे भाई और सेना का वध करूंगा और फिर तुम्हारे रक्त से नहाऊंगा। वो दृश्य देखने लायक होगा। चिंता ना करो भीम, मैं तुम्हारे लिए वस्त्र तैयार रखूंगा। चलो भाइयों, अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रहा, ये युद्ध होकर रहेगा।
बोल बूढ़े, तुमने भीम की सहायता क्यों की? क्षमा करे महाराज, मैंने आप सबको गोद में खिलाया है, मैं तो केवल। तुम कितने वर्षों से भीष्म पितामह की सेवा कर रहे हो? जी, कई वर्षों से, बच्चा था तब से। तो फिर चिंता मत करो, ये तुम्हारे अगले जन्म में भी तुम्हें यहीं मिलेंगे। मेरे आदेशों का उल्लंघन करने की चेष्टा न करना, कभी नहीं। क्या तुम तैयार हो अर्जुन मेरे भाई? मैंने पूछा क्या तुम तैयार हो? युधिष्ठिर भैया, क्या कोई मनुष्य वो महापाप करने के लिए तैयार होता है जो युद्ध देवता उससे करवाना चाहते हैं, या उन्हीं का वध करने के लिए जिनके साथ वो बचपन में खेला करता था? हमारे भाई दुर्योधन ने क्या सोचकर यह निर्णय लिया होगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है? कदाचित वो भी वही सोच रहे होंगे जो हम सोच रहे हैं। क्या तुम्हें आकाश में विमानों के उड़ने की आहट सुनाई दे रही है? क्या तुम्हें सुबह के उस उजाले की गंध आ रही है जो मनुष्य को मृत्यु की ओर खींचती है? क्या तुम्हें हमारे सैनिकों के कदमों की थाप से धरती के फटने की आहट आ रही है? सुनो, इस सन्नाटे को ध्यान से सुनो, ये मेरे एक आदेश पर मरने मारने को तैयार है। ये जान दे देंगे पर अपने सच्चे प्रिय राजा को निराश नहीं करेंगे। अब मेरे कपटी भाइयों को पता चलेगा कि जिस पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है उसे मुझसे ना कोई मनुष्य ना भगवान छीन सकता है। देखो कैसे अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, इन्हें लगता है ये हमसे उत्तम है। अर्जुन, सहदेव, भीम, युधिष, ये सब के सब कभी आपके शिष्य हुआ करते थे आचार्य द्रोण। आशा है आपने इन्हें मरना भी सिखाया है। आओ मेरे योद्धाओं, धरती से ये कलंक मिटाया जाए। हत्यारे, राक्षस, दैत्य, विशाल दानव, इन जीवों के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है, और दुर्योधन इन सबको हमारे विश्व में ले आया है, परंतु हमारे पास वो है जो उनके पास नहीं। इनमें से एक ऐसा है जो मेरा शिष्य नहीं है। कोई ऐसा जो केवल हमारा है, जो मेरे लिए भी एक रहस्य है। कृष्ण, ईश्वर का जीवित रूप। ईश्वर का जीवित रूप, जिसने शपथ खाई है कि वो शस्त्र नहीं उठाएगा। महाराज भीम, शीघ्र चलिए, आपकी आवश्यकता है। क्यों, क्या हो गया? अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ। बात आपके बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर की है। सैनिकों को लग रहा है कि वो युद्ध आरंभ होने से पहले ही समर्पण करने जा रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? कदाचित वो युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे। नहीं महाराज, यही तो समस्या है। उन्होंने अपना कवच उतार दिया है, अपने शस्त्र रख दिए हैं। कदाचित उन्हें लग रहा है कि दुर्योधन की सेना का सामना कर पाना असंभव है हम सबके लिए। बकवास मत करो, वरना मैं तुम्हें बोलने लायक नहीं रहने दूंगा। हमारे महाराज कायर नहीं है, वो कभी कपटी दुर्योधन के सामने अपना शीश नहीं झुकाएंगे, भले ही वो अपने साथ यमदूतों को क्यों ना ले आए। मुझे अपना ध्वज दो। हट जाओ मेरे सामने से, मुझे भैया से बात करने दो। भैया युधिष, आप शस्त्रों के बिना कहां जा रहे हैं? चिंता मत करो, शस्त्र उठाने का समय भी आएगा, परंतु अभी उनकी आवश्यकता नहीं है। भैया रुकिए, दुर्योधन उनमें से नहीं है जिन्हें आपकी तरह युद्ध संहिता की चिंता हो। उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो आपको मार डालेगा। बताइए कृष्ण, क्या उचित होगा? सब कुछ अधर में लटक रहा है। वो तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हारे महाराज भी, विश्वास रखो। न शस्त्र, न कवच, न कोई शब्द। हार मान ली। उस कार ने हमारी विशाल सेना देखी तो वो डर गया, उसके हाथ पैर फूल गए। अब वो हमारे सामने समर्पण करने आ रहा है, वो देखो। वो क्या करने जा रहे हैं कृष्ण, बताइए मुझे। वो विजय की तुला का पलड़ा अपनी तरफ करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी रणनीति है। एक सच्चा योद्धा हमेशा युद्ध से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है, और तब कई बार अनजाने में ही उसे शत्रु के रहस्य भी ज्ञात हो जाते हैं और शत्रु को इसका पता भी नहीं लगता। युधिष्ठिर भैया,
युद्ध आरंभ होने के पहले पितामह भीष्म और गुरु द्रोण का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तुमने यहाँ आकर भारी भूल कर दी है। तुम जीवित नहीं बचोगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हारे भाइयों का मरेगा खा जाएंगे और तुम चीखे सुनते रहोगे। चीखे। मैंने सुन लिया है। स्मरण रहे, युद्ध प्रारंभ होने के बाद मैं तुम सबका चेहरा याद रखूंगा, तब देखना कौन क्या करता है। नमस्कार पितामह भीष्म, आप तो हम सबके पितामह हैं। राजकुमार युधिष्ठ, सिर्फ तुम्हें युद्ध के पुराने नियम याद रहे और तुमने यहाँ तक आने का साहस किया। क्या तब इस तरह का सम्मान नहीं दिखाते थे पितामह जब आप युवा थे? वो दौर तो युगों पहले समाप्त हो गया पुत्र, वो पुराने तौर तरीके थे, आज के युग में भुला दिए गए हैं। मैं नहीं भूला पितामह। मैं जानता था तुम मेरा आशीर्वाद लेने अवश्य आओगे, तुम्हारे जैसा नम्र योद्धा कोई और नहीं। परंतु सत्य तो यही है पितामह कि आज मैं जो भी हूँ आपके कारण हूँ, आपने ही सब सिखाया है। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, परंतु मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं भले ही तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ पुत्र, और मेरे पास इस विश्व के विनाश की शक्ति भी है, परंतु युद्ध का शंखनाद होने के बाद मैं तुम्हारी सेना पर दया नहीं करने वाला, मुझे अपने राजा का ही साथ देना होगा। मैं अपने पितामह भीष्म से यही आशा भी करता हूँ। हमें बिना किसी हिचक के अपने मार्गों का पालन करना होगा, अब इस युद्ध को नहीं रोका जा सकता, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए पितामह। वो हमेशा तुम्हारे साथ है, परंतु एक बात जान लो, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ और कभी भी मृत्यु को गले लगा सकता हूँ, परंतु मेरी मृत्यु सिर्फ भगवान कृष्ण के हाथों होगी, सिर्फ और सिर्फ वही मुझे मार सकते हैं, तभी मुझे लगेगा कि मैं युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ हूँ। कृष्ण की शक्तियां हमारे लिए भी रहस्य है, वो इस युद्ध में लड़ेंगे नहीं, केवल हमें आवश्यकता पड़ने पर परामर्श देंगे। फिर तुम अपने सैनिकों की चिंता करो, नियति का चक्र ऐसा चल रहा है कि हम इस युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे। पुत्र युधिष्ठ, तुम जहाँ भी जाते हो धर्म और न्याय भी तुम्हारे साथ चलते हैं, परंतु मुझे दुर्योधन के साथ ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्षों से वही हमारा राजा है, उसके अंदर आज भी वो बालक छिपा है जो कभी तुम्हारा मित्र हुआ करता था, अभी भी उसके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं जो मुझे ही बाहर निकालनी होंगी। अब तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय हो पुत्र युधिष्ठ, विजयी भव। मैं अब आपकी हंसी नहीं सुन पाऊंगा पितामह। हम एक दिन फिर से साथ में हंसेंगे पुत्र, उस दिन जब हम इस जन्म के बाद देवताओं के महल में मिलेंगे। गुरु द्रोण, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, और उसके साथ मैं आज तक के सबसे बड़े योद्धा का परामर्श भी लेना चाहता हूँ, मैं ये युद्ध कैसे जीत सकता हूँ? यहाँ आओ पुत्र, मेरी मृत्यु तभी संभव है जब मैं अपने शस्त्र रख दूँ, ये बात याद रखना। अब आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं गुरु जी? कर्ण, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण, आपको कब से किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता पड़ने लगी? मैं आपकी हर चाल भली भांति समझता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सुना है तुम युद्ध भूमि में तब तक नहीं जाओगे जब तक पितामह भीष्म की मृत्यु नहीं हो जाती? मेरे मन में अब उनके लिए कोई प्रेम नहीं बचा है, वो जब तक कौरव सेना के सेनापति हैं मैं तब तक युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा। भीष्म पितामह तुम्हें योद्धा नहीं मानते, वो तुम्हें तुच्छ इंसान मानते हैं, तो तुम हमारी शरण में क्यों नहीं आ जाते? हम मिलकर न्याय के लिए लड़ेंगे। मैं आपकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला नटवर, मानता हूँ कि भीष्म से मेरा कोई वास्ता नहीं है, परंतु दुर्योधन वो मेरा मित्र है। तुम भीष्म को मार डालो, वो हमारे ही नहीं तुम्हारे भी शत्रु हैं। इसके बाद दुर्योधन के साथ मिलकर अर्जुन के विरुद्ध युद्ध लड़ो। आपका भय बिल्कुल सही है, भीष्म पांडवों की आधी सेना समाप्त कर देंगे और जो आधी बचेगी उसका नाश मैं करूंगा। मैं तुम्हारा सत्य जानता हूँ कर्ण, तुम्हारा रहस्य, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुम युधिष्ठिर से बात करो, उसे सत्य बता दो। तब आप कहाँ थे जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता थी? तब वो पांडव कहाँ थे? अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आप भी मेरी नियति नहीं बदल सकते। मुझे विश्वास है कि आप मेरा रहस्य उजागर नहीं करेंगे। विश्वास रखो। योद्धा कर्ण, मैं युद्ध के शंखनाद से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तुम मेरा आशीर्वाद लेने क्यों आए हो क्षत्रिय सम्राट? तुम और तुम्हारे भाई तो मुझे एक क्षत्रिय योद्धा भी नहीं मानते। मैं कुछ भी अनुचित नहीं कर रहा, एक सच्चा क्षत्रिय शत्रु का भी सम्मान करता है। ठीक है,
आज तो मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ युधिष्ठिर, लेकिन याद रखना कल तुम्हारे भाई अर्जुन का वध करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। हम आपसे भयभीत नहीं है कर्ण। फिर तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम जानते हो मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, इस युद्ध का सबसे घातक शस्त्र, और मैं इसका उपयोग सिर्फ अर्जुन पर करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो योद्धा, अगर कौरव सेना का कोई योद्धा सत्य और न्याय के लिए लड़ना चाहता है तो वो पांडव सेना में शामिल हो सकता है। ध्यान से सोच लो, क्योंकि ये फैसले की घड़ी है। तुम भी जानते हो कि तुम्हारा राजा अधर्म कर रहा है। देखो तुम्हारे साथ उसने किन राक्षसों और दानवों को युद्ध भूमि में उतारा है। वो कैसे इस विश्व का नाश करना चाहता है। उसने महारानी द्रौपदी के साथ क्या किया है। उसका साथ देकर तुम भी उसके पाप के भागीदार बनोगे। क्या तुम अगले जन्म में उसके कर्मों का दंड भुगतोगे? भैया युधिष्ठिर, भैया दुर्योधन जो कर रहे हैं वो बहुत ही अनुचित है। मुझे आप अपनी सेना में स्थान दे दीजिए। आओ युयुत्सु, तुम्हारा स्वागत है। अब कम से कम ये तो तय है कि तुम्हारे नेत्रहीन पिता की मृत्यु के बाद उनका एक पुत्र तो उनका वंश चलाएगा। अब इन बातों का समय समाप्त हो चुका है। चलो भाई, हमें युद्ध लड़ना है। आज युद्ध की पहली सुबह है। शुद्ध निर्मल वायु में सांसें ले लीजिए गुरु द्रोण, शीघ्र ही ये रक्त धुएं से भर जाएगी। मैंने कई युद्ध देखे हैं महाराज, परंतु इस युद्ध को युगों तक याद किया जाएगा। हाँ, आज जो कहानी लिखी जाएगी वो मेरी विजय की गाथा होगी, मेरी गौरव गाथा। मुझे नहीं लगता कि हम इस युद्ध में जो करने वाले हैं उसमें गर्व की कोई बात है। अपनी संवेदनाएं उसके लिए बचा कर रखिए जिसे उसकी आवश्यकता हो। पितामह, गुरु द्रोण, आपने आक्रमण की रणनीति तैयार कर ली है ना? हाँ महाराज, मैंने ही अर्जुन और युधिष्ठिर को युद्ध कला की शिक्षा दी है। मैं जानता हूँ कि वो कैसे सोचते हैं। युधिष्ठिर और उसके भाइयों के पास दिव्य कवच हैं। वो कवच अपने आप में शस्त्र हैं और उन्हें बनाया है 6 विस्फोटक सूर्यों ने। उन्हें अपनी शक्ति दी है आदिकाल के देवताओं ने, किंतु उनके कवच उनके अस्त्रों के समक्ष कुछ नहीं। अर्जुन के पास गांडीव धनुष है। वो एक ऐसा अस्त्र है जो युगों से लुप्त था। अर्जुन ने उसे जंगल में ढूंढ निकाला। उसकी असीमित शक्तियों का अनुमान किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं। हमारे लिए वो सबसे विनाशकारी शस्त्र है। तो हम उसे चुरा लेते हैं और उसे कर्ण को दे देते हैं। विश्वास रखिए, वो बड़ी आसानी से गांडीव चला लेगा। नहीं, गांडीव को अर्जुन के अतिरिक्त और कोई नहीं चला सकता। उसने उसके लिए जो त्याग किया है उसका कोई मूल्य नहीं है। भीम की गदा भी एक अद्भुत शस्त्र है। उसे भी उसके कवच से ऊर्जा मिलती है। उसकी गदा का सामना केवल आपकी ही गदा कर सकती है महाराज। स्थिर सतर्क रहता है, लेकिन उसकी रणनीति बेजोड़ होती है। वो पहले आप पर ही आक्रमण करेगा ताकि आपकी मृत्यु के बाद आपकी सेना समर्पण कर दे। वो हमारा व्यूह तोड़ने के लिए सबसे पहले भीम को भेजेगा ताकि आप तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो सके। उसे रोकने के लिए हमें दूर से आक्रमण करना होगा। मैं अपने 12 धनुर्धरों के साथ आज दोपहर के पहले उसकी सेना के एक बड़े भाग का नाश कर दूंगा। सूर्यास्त तक उसके पास बस एक ही उपाय होगा, नई रणनीति बनाना। आप हमारे सामने जो विशाल सेना देख रहे हैं वो रक्त और धूल मिट्टी से लथपथ अपने शिविर में करा रही होगी और सोचेगी कि हमने ये युद्ध ना लड़ा होता तो अच्छा होता। योजना बहुत अच्छी है गुरु द्रोण। उनकी 4 अक्षौहिणी सेना के सामने हमारी 6 अक्षौहिणी सेना है। शाम ढलने तक आप उनकी युद्ध करने की इच्छा का अंत कर सकते हैं। युधिष्ठिर डरपोक है, वो अपने सैनिकों की मृत्यु नहीं देख पाएगा और वो मेरे सामने युद्ध समाप्त करने की गुहार करने आएगा। मैं हूँ इस विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना का नायक। मेरे साथ पितामह भीष्म हैं, जिन्हें पराजय स्वीकार ही नहीं है। हम साथ मिलकर उन मूर्ख पांडवों का सर्वनाश कर देंगे। आपकी बात सत्य है महाराज, परंतु पांडवों के पास इच्छा शक्ति है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को जैसे ही पता लगेगा कि उसके पिता और चाचाओं की मृत्यु हो चुकी है तो वो प्रकोप बनकर टूट पड़ेगा। वो भी दोनों पक्षों के किसी महायोद्धा से कम नहीं। उसकी भी मृत्यु तय है, कोई नहीं बचेगा, कोई सहानुभूति नहीं होगी, किसी को भी क्षमा नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो घायल हो या बंदी। समझ गए ना? हाँ महाराज, समझ गया।
उत्तम, तो चलिए उनका नाश किया जाए, वो युद्ध शुरू किया जाए जिससे तीसरे युग का अंत होगा और पृथ्वी पर एक नए युग का आरंभ होगा। विजय हमारी ही होगी। महायोद्धा भीष्म, युद्ध का शंखनाद कीजिए। ऊंचे स्वर में उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है, और ऊंचे स्वर में पितामह, इस युद्ध के शंखनाद की ध्वनि देवताओं तक पहुंचनी चाहिए। उन्हें भी तो पता लगे कि एक नया दिन शुरू होने वाला है। रात जितना स्याह। समय आ गया है अर्जुन, अपनी सेना को युद्ध आरंभ करने का आदेश दो। अर्जुन, किस दुविधा में हो? प्रभु, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप मुझे यहां से कहीं और ले चलिए, युद्ध भूमि से दूर, ऐसे स्थान पर जहां शांति हो। अर्जुन, पांडव सेना युद्ध में उतरने के लिए तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। उनका भविष्य तुम्हारे निर्णय पर टिका है, सोच कर निर्णय लेना। दुर्योधन भी देख रहा है, उसे तुम्हारी ये हिचक कहीं तुम्हारी निर्बलता ना लगे। हे प्रभु कृष्ण, मैं जो युद्ध करने जा रहा हूँ उसका परिणाम सिर्फ मेरे लिए ही नहीं परंतु आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बहुत बुरा होगा। मैं उससे पहले देवी माँ का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हे माँ दुर्गा, शक्ति और सर्वनाश की देवी, दानवों का नाश करने वाली बुद्धि स्वरूपा, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये अर्जुन क्या कर रहा है? अब कौन सी चाल चल रहा है ये? हे देवी माँ, आप तो न्याय की देवी हैं, मुझे सही मार्ग दिखाइए और मुझे शक्ति दीजिए। ये क्या विपत्ति है? आसमान से रक्त की वर्षा हो रही है। देखो, वो अर्जुन है, अवश्य ये उसी का कार्य है। ये उसकी कौन सी चाल है? अर्जुन, जो करना है कर लो, जितने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना है ले लो, परंतु तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। रक्त की वर्षा होने दो, हम सभी को लाल रक्त से नहला दो, परंतु ध्यान रहे ये देवताओं के आंसू हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उनकी वेदी पर किसकी बलि देने वाला हूँ। देवी ने अर्जुन की प्रार्थना सुन ली है, पूरा आकाश लाल हो गया है। दुर्योधन की सेना पर तो रक्त बरस रहा है, परंतु अर्जुन के आसपास वो रक्त लाल पुष्पों में बदल रहा है। इस युद्ध में मुझे विजय का मार्ग दिखाइए, मेरे शत्रुओं को परास्त कीजिए। रक्त वर्षा थम गई है, उनकी ओर देखिए प्रभु कृष्ण, लाखों सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। वो सभी तुम्हारे हाथों वीर गति पाना चाहते हैं, वो महान योद्धा हैं। वो युद्ध में मृत्यु प्राप्त करके इस तृतीय युग की समाप्ति के साक्षी बनना चाहते हैं। भला तुम उन्हें इस महायुद्ध की अमर कहानी का एक भाग बनने से कैसे रोक सकते हो? अर्जुन, पार्थ गांडीव संभालो और बाण चलाकर युद्ध की घोषणा कर दो। मगर हे प्रभु कृष्ण, ये सब मेरे परिजन हैं, ये सब के सब मेरे संगी साथी हैं, मेरे गुरु हैं, वो गुरु जिन्होंने मुझे शक्ति की शिक्षा दी है, साहस की शिक्षा दी है। बताइए प्रभु, क्या इनके जैसे महानायकों की हत्या करने का अर्थ ये नहीं कि हम अपने लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की मानव जाति के लिए तबाही और विनाश को निमंत्रण देंगे? वो हमारी सेना देखकर डर गया है। ये क्या, अर्जुन किस दुविधा में है? मुझसे ये नहीं होगा योगेश्वर, इतने निर्दोष लोगों की मृत्यु का उत्तरदायी कौन होगा? उठो प्रिय पार्थ और खड़े हो जाओ, धीरज दिखाओ और नई सुबह का स्वागत करो। तुम्हारे अलावा क्या कोई और है जो युगों के बीच आई दरारों को मिटा सके? ये तृतीय युग का आखिरी युद्ध है और आने वाले अंधकार युग का पहला युद्ध। तुम एक महान योद्धा हो अर्जुन, तुम्हारा धर्म ही है युद्ध करना। मुझे देखो पार्थ, मेरी आंखों में देखो, समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना विराट रूप दिखाऊं। देखो वो शाश्वत सत्य, देखो जो था है और अनादिकाल तक रहेगा, यही है मेरा असली रूप। अब उठो पार्थ, गांडीव संभालो, तुम एक योद्धा हो और योद्धा का धर्म है युद्ध करना।
तुमने मेरा वो विराट रूप देखा है जिसमें सबकी भूमिकाएं तय है। मैं शब्दों में उसका बखान नहीं कर सकता, परंतु मैं समझ गया हूं कि युद्ध क्यों आवश्यक है और इसका अर्थ क्या है। मैं समझ चुका हूं। नहीं मित्र अर्जुन, तुमने जो देखा है उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हो, परंतु समय आने पर समझ जाओगे। विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मुझे युद्ध भूमि में ले चलिए केशव। गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा लो। युद्ध आरंभ हो। महाराज युधिष्ठिर की जय हो। शूरवीर अर्जुन की जय हो। आक्रमण! महाराज दुर्योधन की जय हो। विजय हो। महान धनुर्धरों को प्राथमिक आक्रमण के लिए तैयार किया जाए। मैं आकाश मार्ग से विमानों का संचालन करता हूँ। आप 12 लोग महाराज दुर्योधन के सर्वोत्तम धनुर्धारी अपने एक बार से शत्रु के कई सैनिकों को मार सकते हैं। धनुष उठाइए और निशाना साधिए। आक्रमण! कोई नहीं बच सकता। बाणों की वर्षा हो रही है। मुझसे लड़ने के लिए बस इतनी ही तैयारी करके आए हो? ढींगे तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, किंतु आक्रमण किया तो इतना हल्का सा। इससे मेरा क्या होगा दुर्योधन, क्योंकि मैं भीम हूँ, पराक्रमी योद्धा। बलशाली योद्धा निर्बलों को मकोड़ों की तरह मसल देते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उनमें भूत सवार हो। प्राण प्यारे हो तो भाग जाओ। धनुर्धारियों, अब हमें भीम पर प्रचंड आक्रमण करना है। पहले उस पर अग्नि बाण से आक्रमण करेंगे, फिर उसे परमाणु अस्त्र से समाप्त कर देंगे। हटो मेरे सामने से कीड़े लड़ो। तुम मेरा क्या सामना करोगे? चाचा, भीम की सहायता करनी होगी। उन धनुर्धारियों को रोकना होगा, अन्यथा हमारे बहुत से सैनिक मारे जाएंगे। तुम्हारी मृत्यु तय है नानो। चाचा, भीम की तरफ। मूर्खो, अब मेरी गदा का प्रहार सहने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम नहीं बचोगे भीम। ये गंध कैसी है? परमाणु अग्नि ने उसे भस्म कर दिया है। आणुओं में से एक भाई की मृत्यु हो गई है। संभव, इस अग्नि से कोई नहीं बच सकता था। तुम्हारी सेना मुझे नहीं रोक सकती, तुम्हारे बाण मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारी अग्नि मुझे नहीं जला सकती, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शीघ्र चलो, चाचा भीम उन्हें खदेड़ रहे हैं। हम दूसरे धनुर्धारियों पर आक्रमण करते हैं। दोबारा महान धनुर्धारियों का काम तमाम हो गया है, पर उनके बिना बाकी की सेना सूखी पत्तियों की तरह कांप रही है। आज रात सियारों का भी पेट भर जाएगा। किसी और कौरव में मुझसे भिड़ने का साहस है? दुर्योधन, मैंने कहा था ना, तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है। अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है मेरे नादान भाई। आ जाओ भी, मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। योजनाएं युद्ध नहीं जीतती, अस्त्र भी युद्ध नहीं जीतते, ना ही सेनाएं युद्ध जीतती। युद्ध तो मनुष्य जीतते हैं। और अगर समय पर दुर्योधन ये बात समझ लेता तो मैं शायद अभी जीवित नहीं होता। मैं तो सोच रहा था कि कृष्ण इस युद्ध में या तो शामिल नहीं होंगे या हमारी तरफ से लड़ेंगे, परंतु जब मुझे पता लगा कि हमें उनसे सहायता मांगनी पड़ेगी तो मेरे होश उड़ गए। और जब मुझे यह पता लगा कि दुर्योधन कौरव सेना के लिए उनकी सहायता लेने निकल पड़ा है,
तो मैं भी आधी तूफान की गति से द्वारका की ओर चल पड़ा। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं युद्ध में अपने सबसे प्रिय मित्र के विरुद्ध लड़ूंगा, मगर यह युद्ध सबसे अलग है, सबसे विचित्र है। मैं जानता हूं कि इस युद्ध में मुझे अपने गुरुओं, अपने पुराने मित्रों और उन योद्धाओं के विरुद्ध लड़ना होगा जिनका मैं सम्मान करता हूं, किंतु कृष्ण, उनके विरुद्ध युद्ध मैं सोच भी नहीं सकता। मैं जंगलों के बीच से होता हुआ द्वारका की ओर बढ़ता जा रहा था। ये सोच रहा था कि सब कुछ जल रहा है। मेरे मन में तो ये भी आ रहा था कि मेरे ही अस्त्रों से आग लगी है। क्या ऐसा संभव है? किसी भी युद्ध में सबसे गहरे घाव किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं लगते। नारायणी सेना, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना, अनाथ और समाज के दुत्कारे हुए लोगों की वो सेना जिन्हें कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ बना दिया है, वो कभी कोई युद्ध नहीं हारी है, परंतु केशव ने उसे बहुत कम युद्ध लड़ने दिए हैं। मैंने उसे हराने की बात अपने मन से निकाल दी और उस बात पर ध्यान देने लगा जो मुझे तत्काल करनी थी, मगर वो इतना सरल नहीं था। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें उससे क्या? श्री कृष्ण अभी ध्यान में है, आप यहां से हट जाओ सामने से। और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा। तब तो चुनाव और भी सरल है कृष्णा, तुम पलक झपकते ही किसी सेना का विनाश कर सकते हो, इसलिए मैं पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैं इस युद्ध में नहीं लड़ूंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी को मार नहीं सकता। मैं सिर्फ एक मित्र, सहयोगी और सलाहकार की तरह साथ दूंगा। तुम नहीं लड़ोगे ये तो प्रसन्नता की बात है, ऐसे में तुम मुझे अपनी सेना दे दो। अर्जुन मेरे मित्र, आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे और क्या चाहिए? माना कि आपकी सेना बहुत ही, परंतु इस युद्ध में तुम्हारी पराजय तो तय है, और हाँ, इस तरह से युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा। कृष्ण अपने योग कक्ष में ब्रह्मांड के रहस्यों में उलझे हुए थे। दुर्योधन राजा था, इसीलिए वो उनके सिर के पास खड़ा हो गया और मैं उनके पैरों के पास बैठ गया। मैं एक याचक था और यही उचित भी था। भेदभाव से विरक्त जीवन उसे ही मिल पाता है जो सदैव ही बड़े प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास करते हैं। मुझे तो सदा से ही मनोरंजन पसंद है। अर्जुन, दुर्योधन, तुम्हें यहाँ देखकर अचरज हो रहा है, कहो कैसे आना हुआ? तुम जानते हो कृष्ण कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हमें क्या चाहिए? मैं तो बहुत सी बातें जानता हूँ महाराज दुर्योधन, परंतु मैंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए बताओ पार्थ क्यों आए हो? मैं यहाँ पहले आया था, इसलिए तुम्हें मेरी बात पहले सुननी पड़ेगी। ओ अच्छा, जब तुम जानते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ तो यहाँ तक आने की क्या आवश्यकता थी? मेरा वो अर्थ नहीं था। तुम्हारा अर्थ जानता हूं, तो चलो अब समय व्यर्थ ना करते हुए हम काम की बात करते हैं। मैं अपने रक्त और कर्तव्य के कारण अर्जुन और सिंहासन दोनों से बंधा हूं। मैं तुम में से किसी एक को सब कुछ नहीं दे सकता। एक को मैं अपनी नारायणी सेना दे सकता हूं, वो सेना जिसे आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया है। तो फिर यही तय रहा? हाँ तय रहा, और मैं ये वचन देता हूँ कृष्णा कि मैं तुम्हारी सेना वापस कर दूंगा। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी दया और समझदारी पर कोई संदेह नहीं है दुर्योधन। नारायणी सेना ऐसे लड़ती है जैसे वो बाघों की टोली हो, वो अपने शत्रुओं का विनाश कर देती है।
दुख की बात है कि वो विपक्ष के साथ है, परंतु विनाशकारी अस्त्र भी तब काम नहीं आता जब उसे चलाने वाला मूर्ख हो। हमारे पास भी योद्धाओं की कमी नहीं है। क्या दुर्योधन जानता भी है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है? उसके पास भले ही बहुत बड़ी सेना और एक से एक धुरंधर रणनीतिकार है, परंतु उसके पास वो नहीं है जो हमारे पास है, कृष्ण साक्षात भगवान। उनकी बुद्धिमत्ता और दक्षता से हम कई बार सुरक्षित बचे हैं, परंतु बात इतनी सी नहीं है। उनकी उपस्थिति मात्र से हमारी सेना को विश्वास मिलेगा, उसे शक्ति मिलेगी। अगर हम ये युद्ध जीतते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यह होगा कि हमारी मंशा सही है, और जिससे हमें साहस मिल रहा है वो बड़ी से बड़ी सेना से भी कहीं उत्तम है। अगला आक्रमण इससे भी अधिक घातक होने वाला है, तुम तैयार हो अर्जुन? जी हां प्रभु, मैं तैयार हूं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, अपनी यादों के झरोखों में झांक कर देखें, तो हमें कुछ पल मिलेंगे। वो पल जो तब हमें विशेष नहीं लगे थे, ना ही याद रखने लायक थे, परंतु अब तो सब कुछ बदल चुका है। संपूर्ण विश्व बदल चुका है। अब उनमें से कुछ भी नहीं बचा। हम साथ मिलकर किसी न किसी नई शरारत की योजना बनाते रहते। तुम दोनों कौन सी नई योजना बना रहे हो? नहीं, कोई नहीं। अर्जुन? कुछ नहीं भैया। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। दुर्योधन, तुमने अपने पीछे क्या छिपा रखा है? इस बार झूठ बोलने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुमसे वो होता नहीं है। ये तो विनाशक है, गुरु द्रोण की तलवार। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इससे पहले कि उन्हें पता लगे, तुम इसे वापस रख दो। नहीं रख सकता, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इसकी आवश्यकता होगी। तुम ये क्या कह रहे हो? अर्जुन और मैं उस काल राक्षस की खोज में जा रहे हैं, जिसके बारे में गुरु द्रोण ने कहा है कि वो इसी जंगल में कहीं रहता है। और हाँ, यदि तुम्हें भय लग रहा है तो यहीं रुको और युधिष्ठिर भैया से कहानियां सुनो। वहां जाना मना है, उसकी तलाश में जाना आत्महत्या है। तुम समय रहते लौट भी नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है युधिष्ठिर भैया, गुरु द्रोण हर दिन उस राक्षस की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढे। तुम लोगों ने मुझसे तो पूछा ही नहीं, परंतु एक राक्षस की खोपड़ी चटकाने का अपना ही आनंद है। मैं भी चलूंगा। भैया आप भी चलिए, हमें आपकी आवश्यकता है। चलो चलो, कदाचित आपकी बातों से वो राक्षस बाहर आ जाए। चलो लौट चले, गुरु द्रोण को अभी हमारी अनुपस्थिति का पता नहीं चला होगा। नहीं, हम उस राक्षस का सिर एक डंडे पर लटकाएंगे और फिर गुरु द्रोण को जगाएंगे। तुम्हारी मूर्खता और अकड़ एक दिन हम सबके प्राण ले लेगी भाई दुर्योधन। वो आपके डर और आपकी निरस्ता से तो अच्छी है, राजा मार्ग बनाते हैं उसका पालन नहीं करते, ये बात तो आप भली भांति जानते हैं भैया युधिष। ठीक है, तो तुम क्या सोच रहे हो दुर्योधन? यदि हमें वो राक्षस मिलता है तो हम सब मिलकर ही उसका सामना कर सकते हैं। हाँ, सही कहा आपने। आप उस राक्षस को बाहर निकालने का साधन बनेंगे और मैं और अर्जुन उसका वध करेंगे। यदि आप चाहें तो अपनी कहानियां सुनाकर उसे सुला भी सकते हैं। अभी मेरे सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है भैया युधिष्ठिर, इसका भी समय आएगा।
All right, both of you. That's enough. No! I'm not done with him yet. Let go of me! Maybe we should just let them settle this. Probably the only real fight we'll see tonight anyway. Bhima! Okay, okay. Get off of me. I'm done. Enough, okay? तुम लोगों ने कुछ सुना? कदाचित अगले जन्म में तुम्हें राक्षस योनि से मुक्ति मिले। क्षमा कीजिए गुरु द्रोण, हमसे भूल हो गई। क्षमा तो दुर्योधन को मांगनी चाहिए। तुम किसी की तलवार तो चुरा सकते हो वत्स, किंतु उसे चलाने का साहस कहां से लाओगे? साहस तो अंदर से जन्म लेता है। तुम मेरी तलवार विनाशक रख सकते हो अर्जुन। मृत्यु को सामने देखकर भी जो योद्धा किसी निर्बल की रक्षा करता है वही सही अर्थों में क्षत्रिय धर्म का पालन करता है। मैं कल से तुम्हें इस तलवार से लड़ना सिखाऊंगा। समय बीतता गया लेकिन उनके मन में मेरे प्रति द्वेष कम नहीं हुआ, वो बढ़ता जा रहा है। कदाचित वो हम सभी को समाप्त कर देगा। आइए तात भीष्म, आपके भारी कदम और उनसे भी भारी आपकी सांसें बता रही हैं कि आपके हृदय में कोई बोझ है। कहिए क्या बात है? आपकी प्रजा बुरी तरह से डरी हुई है महाराज द्रित। संपूर्ण राज्य में तरह तरह के अपशगुन दिख रहे हैं। जानवर ले रहे हैं, आधी रात को दानव बच्चों को चुरा रहे हैं। कई हफ्तों से चांद भी नहीं निकला है। महाराज मैं जानता हूँ आप वो सब नहीं देख सकते हैं जो मैं। भले ही नेत्रहीन हूँ तात, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं देख नहीं सकता। मैं आपसे अधिक देख सकता हूँ तात। लोगों को लग रहा है कि आपका होने वाला बच्चा ही इन सब का कारण है महाराज, इन बुरी घटनाओं का। ये उनकी अज्ञानता है। वो बच्चा महारानी के गर्भ में 2 वर्षों से पल रहा है। इस तरह का गर्भधारण बड़ी असाधारण बात है महाराज। वैद्यों ने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैंने भविष्यवक्ताओं से भी बात की थी, उन्हें भी ये सब एक अपशगुन ही लग रहा है। शगुन अपशगुन तो होते रहते हैं तात, परंतु इसका कारण मेरी संतान नहीं है। आपका तात्पर्य क्या है? मैं आज आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जिसे आज तक किसी को नहीं बताया, और आज के बाद भी मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। जब से महारानी ने गर्भ धारण किया है तब से मैं नित्य रात को एक ही स्वप्न देख रहा हूँ। वो स्वप्न जिसमें मुझे 99 सरों वाला एक विकराल सर्प दिखाई देता है जो बड़ा ही विशाल है। उसकी पीठ पर एक काला भेड़िया सवार था जिसकी आंखें लाल थी और वो एक इंसान जैसा था। उसने दूसरे सभी जीवों का नाश कर दिया था। शेर, हाथी, बाघ, सियार, कोई उसका सामना नहीं कर पाया।
कोई नहीं बच पाया सिवाय एक के। कौन सा जीव बच गया था? आपने क्या देखा महाराज? एक जीव था जो उसके सामने बड़ी बहादुरी से खड़ा था। एक नन्हा सा मोर, उसने अपनी छोटी सी चोंच से संपूर्ण विश्व थाम रखा था और वो उन सर्पों से उसकी रक्षा भी कर रहा था। अब भी आपकी समझ में नहीं आया था? वो नन्हा मोर ही मेरी संतान है और आपका होने वाला महाराज। केवल मेरी संतान ही आने वाली तबाहियों और बुरे दिनों का सामना कर सकता है। केवल वही विश्व की नियति को तय कर सकता है। कदाचित ये सिर्फ एक स्वप्न ही है और कुछ नहीं। नहीं, उस भेड़िये की लाल लाल आंखें आज भी मुझे घूरती हैं, मेरा उपहास करती हैं। आप जिन अपशगनों की बात कर रहे हैं या महारानी जो दुर्दिन देख रही है, उसका कारण वो भेड़िया ही है। वो काला भेड़िया नहीं चाहता कि मेरी संतान जन्म ले। महाराज आपको शीघ्र आना होगा, वैद्यराज आपको बुला रहे हैं। क्या बात है? महाराज, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। महारानी कहाँ है? महाराज मेरी बात। हट जाओ मेरे सामने से। महाराज आप, ये कैसी विपत्ति है? क्यों, क्या हुआ, आप क्या देख रहे थे? महाराज मैं गांधारी कहाँ है? महारानी कहाँ है? कहाँ है वो? धृत, आप अपने कक्ष में चलिए। क्या उनकी मृत्यु हो चुकी है? क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु वो अभी मूर्छित है। हम उनके प्राण बचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उन्हें उसे जन्म देने में बहुत कष्ट हुआ। उसे किसे? बताओ मुझे। मैंने उस जैसा जीव पहले कभी नहीं देखा। धृत नहीं, ये क्या, ये क्या चीज है? ये कोई जीव जैसा ही है महाराज, परंतु मानव नहीं है। और ये बढ़ भी रहा है, ये महारानी के गर्भ में कैसे समा सकता है? जी हाँ, ये जो भी है अप्राकृतिक है, हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए। तुम कह रहे थे कि ये मानव नहीं है? इसके अंदर मानव के कुछ गुण तो है महाराज, परंतु ये मानव नहीं है। मेरा पुत्र जीवित रहेगा, वो भेड़िया नहीं जीत सकता। महाराज आप अपने कक्ष में चलिए, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। दात, वही हमारी अंतिम उम्मीद है। हमारे सहयोगी इस जीव की जांच करेंगे, ये जो भी है महाराज, हम इसकी तह तक जाकर इसका पता लगाएंगे। वो जीव मेरा पुत्र और तुम्हारा होने वाला महाराज है। अगर किसी ने उसे छूने का प्रयास भी किया तो मैं तुम सभी को तुम्हारे बच्चों के सामने मृत्यु दंड दूंगा। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। मैं नेत्रहीन हूँ पर बहरा नहीं हूँ, मैंने किसी के जाने की आहट नहीं सुनी। उसे बुलाओ। उसे बुलाना उचित नहीं होगा महाराज, वो जीव जो कुछ भी है उसका जन्म एक अनहोनी है। मैं काले भेड़ियों को ये दुनिया नष्ट नहीं करने दूंगा, मेरी आज्ञा का पालन किया जाए। तात भीष्म, जानते हैं ना मैं कौन हूँ? उसे तुरंत बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। हे राजाओं के राजा, आप मुझसे जो करने को कह रहे हैं वो नहीं किया जा सकता, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, क्या उसे बचाया जा सकता है? हाँ, परंतु आपको इसका मूल्य चुकाना होगा। जो तुम चाहो। तो आप मुझे अपनी तलवार दे दीजिए महाराज धृत। तुम उसका क्या करोगे? प्रश्न मत कीजिए महाराज, मुझे अपनी तलवार दे दीजिए। धृत, ये सब मत करो, कोई और उपाय भी होगा। आप जानते हैं दांव पर क्या लगा है। क्या कर रहे हो? मैं इसके 100 टुकड़े कर रहा हूं।
कई दिन बीत चुके हैं महाराज, आप खुद को यातना क्यों दे रहे हैं? इन बर्तनों में सिर्फ मुर्दा जीव पड़े हैं। मृत्यु वो उर्वरक भूमि है जिससे जीवन का प्रारंभ होता है। कितना भी समय लगे मैं यहां से नहीं हटने वाला। धार बताइए, आप क्या देख रहे हैं? ये बालक है महाराज, आपके सपनों का बालक। काले बाल, गहरी आंखें, गेहूआ रंग, बहुत सुंदर बालक है महाराज ध्रुव। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था मेरे नन्हे मयूर। काले भेड़िए ने तुम्हें रोकने का प्रयास किया पर रोक नहीं पाया, और वो तब भी नहीं रोक पाएगा जब समय आएगा। तुम एक राजा की संतान हो, तुम्हारा नाम होगा दुर्योधन, जिसे कोई नहीं हरा सकता। मैं भविष्य देख रहा हूं महाराज द्वित, मैं भविष्य देख रहा हूं। हमारा युग बहुत ही उन्नत है। आज भी योद्धा, दार्शनिक, वैज्ञानिक इस पृथ्वी को अपनी इच्छा से रूप दे रहे हैं और ईश्वर की इच्छा को भी अपने इशारों से मोड़ रहे हैं। परंतु ये बात सिर्फ पुरुष कहते हैं और वही इस युग में शासन कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत दूर से देख रही हूँ, जहाँ बच्चे और उनके पितामह अस्त्र थामे अपनी कौंधती आँखों से पृथ्वी पर एक बार फिर से रक्त और अग्नि के बीज बो रहे हैं। मेरा जन्म भी अग्नि से ही हुआ था, परंतु आपकी दहकती ज्वाला से नहीं बल्कि प्रतिशोध की शीतल लपटों से। यदि अग्नि मेरी माता है तो मेरे पिता तो वही हुए जिन्होंने प्रतिशोध की उस चिंगारी को हवा दी थी। मेरा नाम द्रौपदी है और मुझे जन्म देने वाले वो पुरुष हैं पांचाल नरेश द्रुपद, राजाओं के राजा। काश उन्होंने अपने मित्र भी समझदारी से चुने होते। कुछ साल पहले पांडव सम्राट के सेनापति द्रोण ने अपने शिष्यों को अपने पुराने मित्र द्रुपद के पास भेजा। वो बड़े ही वीर और श्रेष्ठ अतिथि थे। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए राजकुमार पांचाल पहुंचे, परंतु वो मित्रता करने नहीं आए थे। वो तो मेरे पिता का साम्राज्य हड़पने आए थे। वो मेरे पिता को बंदी बनाकर कुरु दरबार में ले गए। मेरे पिता ने घुटने टेक दिए और अपना आधा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया। मेरे पिता किसी भी अपमान को आसानी से नहीं भूलते थे और ना ही आसानी से क्षमा करते थे। वो जानते थे कि अपना सम्मान दोबारा हासिल करने के लिए उन्हें क्या करना है। पांचाल के यजने तक पहाड़ों पर बनी उनकी प्राचीन भट्टियों में कई रहस्य छुपे थे। मेरे पिता ने अपने रक्त से बहुत बड़ा मूल्य चुकाया। प्राचीन अग्नि की लपटों में उनकी आत्मा और उनका शरीर चीखता रहा, परंतु उनकी गूंज यजने तक लोगों के रहस्यमय गानों और हथौड़ों की ध्वनि के बीच दब गई। उन्होंने कुछ अनजान वस्तुओं से एक ऐसा जीव बनाया जो मेरे पिता के शत्रुओं से वो प्रतिशोध लेगा जो स्वयं मेरे पिता नहीं ले सकते थे। उनके क्रोध की लपटें इतनी उग्र थीं कि उस अग्नि से एक नहीं बल्कि दो जीवों का जन्म हुआ। दो शरीरों का एक जोड़ा जो कवच से ढका हुआ था, एक जो उनका प्रतिशोध लेने वाला था और दूसरे को उनके शत्रुओं का नाश करना था। विश्व का सबसे खतरनाक अस्त्र। कहते हैं कि मैं इस युग की सबसे सुंदर स्त्री हूँ, किंतु पुरुष तो ऐसा ही कहते हैं। वो तो हर रानी के बारे में यही कहते हैं। साम्राज्य के लोग मुझसे प्रेम करने लगे, तब पिता द्रुपद ने मेरे विवाह का निर्णय लिया। उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें दूर दूर से राजकुमार आए थे जो स्वयंवर जीतकर मुझे अपना बनाना चाहते थे। परंतु सत्य तो ये है कि मेरा हाथ पाने के लिए उन राजकुमारों को जो परीक्षा दी गई थी वो बड़ी ही कठिन थी और उनमें से सिर्फ एक ही इस लायक था जो मुझसे विवाह कर सके।
राजकुमार अर्जुन। उन्होंने युद्ध में मेरे पिता को परास्त किया था और अब साधु के वेश में उनकी पुत्री को ले जाने आए थे। मेरा तो जन्म ही हुआ था उनसे घृणा करने के लिए, परंतु विधाता ने कदाचित मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। अब मैं केवल इतना जानती थी कि मैं उन्हें पाना चाहती हूँ। हमारी आंखों के सामने कई पराजित राजकुमार बैठे थे जो एक के बाद एक परीक्षा में असफल हो रहे थे। मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी और इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि कई राजकुमार मेरे सामने ही आंसू बहा रहे हैं। विजय का मार्ग हमेशा बाधाओं से भरा होता है। मैंने उसके जैसा प्रतिभाशाली कभी नहीं देखा। उसकी भेड़िए जैसी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो मुझे अपना मान चुका है, परंतु वो था कौन? पता लगा कि वो कर्ण है। वो सर्प राजकुमार दुर्योधन का मुंह बोला भाई था, एक ऐसा योद्धा जिसकी आंखों में बर्फ सी शीतलता थी। और तब मुझे पता लगा कि कर्ण के पिता एक सारथी हैं। एक निम्न कुल का युवक द्रौपदी से विवाह करना चाहता है? रुको! मेरी बात सुनकर स्वयंवर कक्ष में सन्नाटा छा गया। मैं जो कहना चाहती थी उस बात को लेकर मेरे मन में संदेह भर गया। कहीं ये तीखे नैनो वाला युवक मेरे लिए इस स्थान से भागने का मार्ग तो नहीं है? कहीं ये मुझे एक अलग विश्व में तो नहीं ले जाएगा? क्या अब मैं केवल अपने पिता के प्रतिशोध का एक साधन हूँ? क्या मैं केवल एक पुरस्कार हूँ? अगर वो प्रयास करे तो क्या होगा? मेरी नियति तो लिखी जा चुकी थी। मुझे अर्जुन की पत्नी बनना था, तभी मेरे पिता की जीत होगी और मेरा जुड़वा रूप प्रतिशोध लेगा। परंतु मैंने उसे बदल दिया तो? यदि मैंने उसे मार्ग से हटा दिया तो? मैंने उसी क्षण निर्णय ले लिया। पांचाल देश की राजकुमारी सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। इसे यहां से बाहर ले जाओ। मैं द्रौपदी हूं, इस देश की महारानी, कुछ दिव्य घटनाओं का कारण। ये केवल मेरे कंधों पर रखा एक बोझ नहीं है, यही मेरा चुनाव है। कक्ष से बाहर जाते समय वो मेरे अपमान की अग्नि में जल रहा था। मैं एक बात समझ गई थी, ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई है। वो मुझसे प्रतिशोध अवश्य लेगा, किंतु तब तक समय का चक्र घूम चुका था और वो सब कुछ होने लगा था जिसके बारे में बहुत पहले कहा जा चुका था। अब अर्जुन की बारी थी। स्पष्ट हो चुका था कि पांडव कुल का राजकुमार अर्जुन, उस युग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, अपनी बहादुरी से उस युग की सबसे सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाने जा रहा था। न जाने क्यों इन सबके बीच मुझे लग रहा था कि मैं एक भूमिका निभा रही हूँ, मैं किसी और के खेल का एक मोहरा हूँ। उस रात जब मेरे पति मुझे मेरे नए घर लाए तो वहाँ नियति ने मुझे एक बार फिर से चौंका दिया। माँ देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। तुम जो भी लेकर आए हो तुम पांचों भाई उसे आपस में बांट लो पुत्र। और अकस्मात ही मैं एक नहीं बल्कि पांच पतियों की पत्नी बन गई। कहते हैं कि एक स्त्री को 14 दिव्य गुणों से संपन्न पति मिलना चाहिए, परंतु तृतीय युग में किसी भी पुरुष में वो सभी गुण नहीं थे। रही बात मेरे पांच पतियों की, उनमें वो सब था जिनकी मुझे आवश्यकता थी और मुझसे ये सब खोने वाला था। मेरे पांच प्रिय वीर पांडव, मेरे पुत्र पुत्रियां, मेरा जीवन। मैं यहाँ बैठी हूँ युद्ध भूमि से बहुत दूर और मैं केवल चिंता और प्रार्थना ही कर सकती हूँ।
मेरा पालन पोषण बहुत अच्छी तरह हुआ है, मैं भी एक महायोद्धा बन सकती थी। मैं भी उनके साथ रणभूमि में उनकी तरह लड़ाइयाँ जीत सकती थी, लेकिन ये विश्व पुरुषों का है। एक दिन एक ऐसा युग आएगा जब ये सब कुछ बदल जाएगा, और तब मैं वचन देती हूँ द्रौपदी फिर से आएगी और तब ये सारी कहानियाँ बदल जाएंगी। कहते हैं कि आयु के साथ बुद्धि भी बढ़ती है, उस हिसाब से मुझे यहाँ सबसे बुद्धिमान होना चाहिए, मगर कितनी अजीब बात है, कई बार लगता है कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। कहते हैं कि शक्ति से साहस बढ़ता है, और उस हिसाब से मैं इस युग का सबसे महान योद्धा हूँ, मगर अक्सर मेरा मन संदेह से भरा रहता है। मुझे कौरव सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया है ताकि बाकी सब मुझसे प्रेरणा ले सके, परंतु मुझे लगता है कि अगर मैं इस युद्ध में सत्य के पक्ष में होता तो अधिक प्रेरणा दे सकता था। लहू से भरा यह युद्ध मेरी ही गलती का नतीजा है। ये युद्ध एक कड़वी कहानी का बड़ा ही कड़वा अंत है, मेरी कहानी का। कदाचित सभी बूढ़े ये सोचकर खुद को मूर्ख बनाते हैं कि ये विश्व तब अधिक अच्छा था जब वो जवान थे। बहुत से लोग उसके स्याह पक्ष को नहीं देख पाते, लेकिन मेरे जितनी लंबी आयु का मनुष्य जिसने इस विश्व को बुरे से बुरा बनते और फिर उसे नष्ट होकर सड़ते देखा हो, उसे इस बात में कुछ सच्चाई दिखाई देती है। जब मेरा जन्म हुआ था तब ये विश्व बिल्कुल अलग था। हमने विश्व को तोड़कर ये जानने का प्रयास नहीं किया था कि वो कैसे काम करता है। तब लोग जादू और चमत्कार पर विश्वास करते थे, वो विश्व अजूबों से भरा था। जब मेरे पिता शांतनु कौरवों के युवा सम्राट ने एक दिन विशाल नदी गंगा के किनारे जो देखा, उसे देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके सामने बैठी स्त्री एक देवी है। उन्हें उससे प्रेम हो गया। उस देवी ने भी उन्हें देखा और वो भी उनके प्रेम में पड़ गई। देवी ने महाराज से वचन लिया कि वो कभी उनके निर्णयों पर कोई प्रश्न नहीं करेंगे, अन्यथा वो हमेशा के लिए चली जाएंगी। तब महाराज ने हाँ कर दी। उन्होंने एक एक करके अपने 7 अभिशप्त शिशुओं की हत्या की, तब भी महाराज ने कोई प्रश्न नहीं किया, जबकि माता गंगा ने उन्हें अपनी कोख में पाला था। मैं नहीं जानता था इसका क्या कारण था, परंतु महाराज को लगा कि देवी ने सारी हदें पार कर दी हैं। वो इसका उत्तर पाना चाहते थे। वो एक पुरुष थे और उन बच्चों के पिता भी, एक महाराज जिन्हें अपना उत्तराधिकारी चाहिए था। 8वें पुत्र के जन्म के बाद उन्होंने माता गंगा को उसके प्राण लेने से रोक दिया, परंतु उन्हें गंवा दिया। मैं शिकायत भी नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन की रक्षा की थी। माता गंगा उन्हें छोड़कर चली गई और अपने साथ मुझे भी ले गई। हाँ, ये वचन अवश्य दिया कि एक दिन वो उनके पुत्र को उन्हें लौटा देंगी। माता ने मुझे बाद में बताया कि उन्होंने जिन 7 शिशुओं की हत्या की थी वो उनके पुत्र नहीं थे बल्कि अर्धदेव थे। वो एक प्राचीन श्राप भुगत रहे थे। मैं समझ सकता हूँ उन्हें कैसा लगा होगा, परंतु मैंने ये भी सीखा कि कर्तव्य और सम्मान सर्वोपरि होता है, और मैंने इसे ही अपने जीवन का नियम बना लिया। मेरी सबसे बड़ी विजयों और सबसे बड़ी असफलताओं का स्रोत यही है। मैं अपनी माँ को गलत नहीं ठहरा सकता था। मैं उनका इकलौता पुत्र था, उनका सब कुछ। मेरे जीवन के प्रारंभिक वर्ष हर्ष उल्लास और अचरजों से भरे थे। मुझे भी देव गुरुओं से शिक्षा मिली। मेरे शिक्षक वो साधु थे जिनके अंदर प्राचीन अग्नि भरी थी, परंतु मैं जिनसे सबसे अधिक प्यार करता था और डरता था वो थे अमर अजय परशुराम, जिनके हाथ में परशु था। कहा जाता था कि वो भी कृष्ण की तरह एक जीते जागते भगवान थे। गुरु परशुराम ने कई महायोद्धाओं का अंत किया था। वो स्वयं एक मिथक थे और मैंने उनके जैसा योद्धा अपने जीवन में नहीं देखा। एक बार राजकुमारी अंबा के कारण मेरे साथ भी उनका युद्ध हुआ था। मैंने राजकुमारी अंबा के साथ अनुचित व्यवहार किया था, परंतु वो एक अलग कहानी है।
मेरे यौवन में परशुराम मेरे वो पिता थे जिनकी कमी मुझे खलती थी। मैं जो भी जानता हूँ उन्होंने ही सिखाया है, उन्होंने ही मुझे ऐसा योद्धा बनाया है। उन्होंने अपने दूसरे शिष्यों के साथ वो गलती कभी नहीं दोहराई, ना तो द्रोण के साथ ना ही कर्ण के साथ। मैं अकेला ही काफी था। जब मुझे अपने पिता के पास भेजा गया तब मैं एक युवक था, एक उत्तम राजकुमार जो राजकाज संभाल सकता था। परंतु तब तक काफी समय बीत चुका था और मेरी माता की बहती धाराओं की तरह मेरे पिता भी हमें भूल चुके थे। शांतनु को तब तक सत्यवती से प्रेम हो चुका था, वो भी एक नदी की राजकुमारी थी, एक मछुआरे की पुत्री, बहुत ही सुंदर और अभिमानी थी और मेरे पिता का जीवन उनके ही इर्द गिर्द सीमित था। परंतु उनका कर्तव्य मेरे प्रति था, सिंहासन के उत्तराधिकारी के प्रति। समस्या ये थी कि अगर वो मुझे सिंहासन देने का वचन देते तो सत्यवती को गंवा देते। कर्तव्य और निष्ठा ने पहले ही उनके सात पुत्रों के प्राण ले लिए थे, उनकी पत्नी और पुत्र उनसे छीन चुके थे, तो क्या अब मैं भी उनके जीवन की खुशियां उनसे छीन लेता? मैंने सिंहासन लेने से मना कर दिया। मैंने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेकर अपने उन बच्चों की हत्या की थी जो तब पैदा भी नहीं हुए थे। उसके बाद भी मुझे अपने पिता की आंखों में भय दिख रहा था, इसलिए मैंने फिर से प्रतिज्ञा ली कि मैं जीवन भर कुरु सिंहासन की सेवा करता रहूंगा। तभी मेरा नाम भीष्म पड़ा, कठिन प्रतिज्ञा करने वाला मनुष्य। मेरे लिए ये नाम भी सही था, मेरी माँ एक नदी की देवी थी। मैं नहीं जानता कि मैं कितना मनुष्य हूं, इतना तो जानता था कि मैं नश्वर हूं, पर देवता मेरी उस प्रतिज्ञा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। मैं अपनी मृत्यु का समय खुद तय कर सकता हूँ, मुझे इच्छा मृत्यु हासिल है। मैं भीष्म, मैं जानता हूँ कि वो समय आज तो नहीं है। परंतु जब मैं इन बच्चों को अपने हाथों मरते हुए देखता हूँ तो मन में प्रश्न उठता है, क्या मुझे बहुत पहले ही अपनी मृत्यु चुन लेनी चाहिए थी? मैंने उन्हें पैदा होते हुए देखा है, जवान होते देखा है, मुझे उनकी हंसी याद है, उनका भोलापन याद है। ये बात कुछ ही समय पुरानी है और आज मैं उनके प्राण ले रहा हूं। क्या मुझे उस व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए जो उनके प्राण लेना चाहता है? पितामा, आप जानवरों को मारना बंद कीजिए और मुझे पांडवों के शीश दीजिए, आप सुन रहे हैं ना? बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने वो प्रतिज्ञा लेकर भूल कर दी थी। मेरे जैसा राजा इस विश्व को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता था, मैं इस युग की नई कहानी लिख सकता था और उसका अंत भी। मगर हर युग में, हर कहानी में एक नायक होता है और वो लोग भी होते हैं जो सबसे अलग होते हैं। पांडव सच्चे मायनों में नायक है और मैं जब इन बच्चों को, इन योद्धाओं को देखता हूं तो लगता है कि मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। ये अंधेरे में प्रकाश के प्रतीक है, इस युग की रक्षा के लिए अजर अमर भीष्म को ये युद्ध हारना होगा। देवताओं की सोच भी बड़ी अजीब होती है, अगर डूबते सूरज को रात अपने गर्भ में न संभाले तो फिर अगले दिन का सूरज कैसे निकलेगा? तब तक नए युग का आरंभ नहीं हो सकता जब तक पुराने युग के संरक्षक बचे रहेंगे। मैं कई जीवन जी चुका हूँ, फिर भी बचा हुआ हूँ। भीष्म निस्वार्थी है? नहीं, भीष्म लालची है। अगर इस युग में मानवता बची रह गई तो क्या लोग मुझे एक किंवदंती मान लेंगे और कहेंगे कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी? या फिर मुझे लोग एक मूर्ख वृद्ध के रूप में याद करेंगे, एक ऐसा मनुष्य जो अपनी प्रतिज्ञाओं के पाश में बंधा था, वो जिसने अपने प्यारे परिजनों के विरुद्ध राक्षसों और दानवों की सेना का नेतृत्व किया? मुझे इसकी परवाह नहीं, कम से कम आज तो नहीं है, क्योंकि ये बूढ़ा योद्धा अभी तक थका नहीं है। इन नए योद्धाओं को ये लगता है कि मेरे होते हुए ये रणभूमि पर अपना दबदबा बना लेंगे।
मैं तो जाग रहा हूँ दुर्योधन, क्या तुम जाग रहे हो? बचाओ, बचाओ! आज का दिन बहुत अच्छा है हमारी मृत्यु के लिए। महाराज भीम की जय हो, आपने हमें बचा लिया। इस राक्षस का भी अंत हो जाना चाहिए, इसने सबके प्राण संकट में डाल रखे हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ तो ठीक है। सबके सब मूर्ख हैं। कुछ वर्ष पहले मैं भी ऐसा ही था, अब लगता है जैसे कल की ही बात हो। मैं अपने भाइयों के साथ वन में भटक रहा था। उस रात हम आगे नहीं जा सकते थे, माता कुंती थक गई थी, इसलिए हम विश्राम करने लगे। सदा की तरह उस रात भी सबसे पहले पहरा मैंने दिया। परंतु उस रात उस वन में कोई और भी जाग रहा था। मैं स्त्रियों से बात करने में सक्षम नहीं था। जब मैं उनसे प्रणय निवेदन करता वो मुझसे डर जाती। अच्छा ही हुआ कि मैं हिडिंबा से पहले नहीं मिला और उसे अपनी बातों से रिझाने की कोशिश नहीं की, या मुझे उसके परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं करनी पड़ी। कहो मेरी प्रिय बहन, क्या संदेश लाई हो? कोई अच्छा सा शिकार मिला? नहीं, तुम्हारे लिए वो नहीं है हिडिम। तुम अपने लिए आज कोई और शिकार ढूंढ लो। उनमें से एक मुझे पसंद है, परंतु जीवित। मैं ऐसा मनुष्य नहीं हूँ जिसे आप संवेदनशील कहें, परंतु मेरा दिल कह रहा था कि उस रात कुछ तो होने वाला है। अब होगा मनोरंजन। मैं भी किसी साथी को ही ढूंढ रहा था। इस खेल को समाप्त करने का एक ही तरीका है, इसे क्षमा कर दो। क्यों चाहती हो मैं इस राक्षस को क्षमा कर दूं? क्योंकि ये मेरा भाई है। अच्छा, कहते हैं कि प्रणय निवेदन के समय प्रेम भरी बातें करनी चाहिए, लुभावने संकेत देने चाहिए, परंतु मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। मैं भीम हूं, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। इस रूप में या मैं मानव रूप में ग्रहण करूं? जो रूप तुम्हें पसंद हो। परंतु तुम्हारा परिवार क्या कहेगा? मेरा परिवार कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ हिडिम। मेरी नई पत्नी भी मेरी तरह अधिक बात नहीं करती थी। वो अभिशप्त थी और वन के बाहर नहीं जा सकती थी, परंतु हमने विवाह कर लिया। अगर मेरी माता और भाइयों को एक राक्षसी से मेरे विवाह पर कोई आपत्ति थी भी, तो भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, और मुझे इसकी चिंता भी नहीं थी। मैं और हिडिंबा एक दूसरे के लिए बने थे। एक वर्ष बाद घटोत का जन्म हुआ। अज्ञातवास समाप्त हुआ और हम वहां से निकल पड़े। मुझे घटोत की याद आती थी और मैंने सुना था कि वो भी मुझ जैसा शक्तिशाली है। वो भी युद्ध कला में माहिर और कुशल बन चुका था। जिस दिन हम दोबारा वन में आए और मैं अपने पुत्र से मिला, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन था। उसकी माँ ने बताया कि घटोत के पास जो शक्तियां हैं वो उसने पहले कभी नहीं देखी। एक बहादुर योद्धा और एक राक्षसी के रक्त से उत्पन्न घटोत सबसे अलग था। Something special.
If ever a day comes when you need me, just whisper my name. I will come to you. I had never known such joy, such pride, such love. Bhima! Yes, brother. What is it? It is time. What for? We need to end this war quickly, before our forces are spent. Bhishma wreaks havoc among us, decimates our armies. We need our secret weapon. नहीं, मैं आपके साथ हूँ भैया. हम स्वयं लड़ेंगे. इतने से कुछ नहीं होगा. तुम्हारे पुत्र की शक्ति इस युद्ध की दिशा बदल देगी. घटोत उस युद्ध में शामिल नहीं होगा जिसका कारण आपकी भूल है. वो आपकी भूल का दंड नहीं भुगतेगा. तुम्हें जो उचित लगे वही करो भीम, परंतु इस युद्ध में सिर्फ तुम्हारा पुत्र ही दांव पर नहीं लगा है. कृष्ण ने कहा है कि हम मानव जाति के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं. घटोत मेरा भविष्य है. आप मेरे भाई हैं, मेरे राजा हैं, परंतु वो मेरा पुत्र है. मुझे आपसे जो कहना था कह दिया. बात समाप्त. उसे देखो, महान और बुद्धिमान युधिष्ठ, राजाओं का राजा, धर्म और न्याय का प्रतीक. उसे लगता है कि वो युद्ध में पांडवों का नेतृत्व करेगा और हमारे कौरव योद्धाओं को देखकर वो युद्ध की नीतियां बनाएगा. हमारा कोई भी योद्धा उसे चुटकियों में मसल सकता है, परंतु वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें उससे भी बड़े शत्रुओं का संहार करना है. वो उन शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध लड़ना चाहता है जिन्होंने इसे इस युद्ध में धकेला है. कदाचित वो मेरे बारे में भूल गया. जब वो कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ का राजा बना था, तब कहा जाता था कि युधिष्ठ एक आदर्श राजा है. वो दिन भर ही नहीं, रात में भी न्याय की बात किया करता था. लोगों को ज्ञान की बातें बताता था और अपनी प्रजा का जीवन आनंदमय बनाने का प्रयास करता था. परंतु वो राजकाज का पहला नियम भूल गया. प्रजा कभी राजा की मित्र नहीं होती, ना उसकी संतान होती है. उनकी मांगों का कभी अंत नहीं होता, उनकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती. परंतु युधिष्ठ और उसका साम्राज्य फल फूल रहा था. उसने भी एक अच्छे किसान की तरह बीज बोए थे और बड़े प्यार से अपने खेतों की देखभाल कर रहा था. परंतु जब फसल तैयार हो जाती है, तब फसल काटने वालों की कोई कमी नहीं रहती. युधिष्ठ नित्य शाम ढलने के बाद कुछ देर के लिए विश्राम करता था. वो राजकाज भूलकर उतने समय के लिए एक सामान्य मनुष्य बन जाता था. मगर यहां भी उसे चैन नहीं था. सुना है आप बहुत बड़े रणनीतिकार हैं महाराज युधिष्ठिर. तुम कौन हो और तुम यहां तक कैसे पहुंचे? आप चिंता ना करें महाराज, मैं आपको हानि नहीं पहुंचाऊंगा. मेरा नाम है जटा और मैं लोगों में आनंद बांटता हूँ. मैं आपको भी सायों के पीछे छिपा एक नया विश्व दिखाना चाहता हूँ. विश्व पर नियंत्रण के लिए गुप्त खेल खेला जाता है. उसमें आपकी दक्षता और बुद्धि की परीक्षा हो सकती है. मैं आपको वहां तक ले जाने आया हूँ. मैं नहीं जानता तुम मुझे किस लोभ पाश में फंसा रहे हो. तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ. राजा के पास खेलने के लिए समय नहीं होता. आपकी जो इच्छा, किंतु यदि कभी आपका मन हो तो आधी रात द्यूत ग्रह में मुझसे मिलने आ जाइएगा. जटा से मिलने के एक सप्ताह बाद युधिष्ठिर फिर से अपने राजकाज में जुट गया. महाराज, हमारे पास वो विज्ञान है जिससे आप अपनी प्रजा की आयु कई हजार वर्ष बढ़ा सकते हैं. नहीं, ऐसा संभव नहीं है. एक व्यक्ति की आयु 7,000 साल पर्याप्त है. परंतु ऐसा नहीं करना भी उचित नहीं होगा. आपका क्या आदेश है महाराज? इंद्रप्रस्थ के आकाश पर विमानों का आवागमन बढ़ गया है. उनकी सुविधा के लिए हमें एक नया मार्ग बनाना होगा. ये मूर्ख है जो विमानों को हमारा भविष्य मान रहा है. मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे परिवहन व्यवस्था को और सुचारू बनाया जा सकता है. आपका क्या आदेश है महाराज? अब तो उसके मूर्ख भाई भी ये समझ चुके थे कि कहीं कुछ गड़बड़ है. तुम द्यूत ग्रह के बारे में क्या जानते हो? वो स्थान आपके लिए नहीं है युधिष्ठिर भैया.
किसी भी निष्कपट के लिए नहीं है। वो आपका जीवन नर्क बना देगा। आप और द्यूत असंभव। वो नियंत्रण का दीवाना था और हर काम बड़ी बारीकी से करना चाहता था, परंतु कुछ बातें उसके नियंत्रण के बाहर थी। असली विश्व परिपूर्ण नहीं था, यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर भी कई बार असफल हो जाते थे। सोचिए उस समय नियंत्रण का एक खेल कितना सुख दे सकता था। मैं जानता था कि सबसे न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर भी एक न एक दिन उसके जाल में अवश्य फंसेंगे, परंतु वो उस बदनाम बस्ती में क्यों आए थे? ये उनकी इच्छा थी या फिर एक बड़ी योजना का अंग? वो किसके हाथ थे जिसने इन घटनाओं की कमान संभाल रखी थी? इस युग के सबसे घातक युद्ध का बहाव किस दिशा में जा रहा था? युधिष्ठिर बड़ी बेसब्री से द्यूत गृह के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था, ये सोच रहा था कि वहां उसे कोई नहीं पहचान पाएगा। मुझे अनुमान नहीं था कि आप सच में आएंगे। चुप रहो, किसी को मेरे बारे में पता नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। आइए मेरे साथ। उत्तर बड़ा ही सरल था, वो हाथ मेरा ही था। मैंने ही वो चाल चली थी। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मैं साम्राज्य के द्यूत गृहों को बंद करवाता रहता हूं, क्योंकि वो मेरी प्रजा के लिए घातक है। जानता हूं महाराज, पर अगर ये खेल नहीं होता तो फिर उनका जीवन कैसे होता? आप तो समझ सकते हैं। बहुत हुआ, अब मुझे अपना ये खेल दिखाओ। अवश्य महाराज युधिष्ठिर, मेरे साथ आइए। ये सब क्या है? ये सब तो बस ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं। इन्हें पहले युग में बनाया गया था और इनसे राजकुमारों को ये कला सिखाई जाती थी। मैंने इसे थोड़ा आधुनिक रूप दे दिया है। अब ये बुद्धि का खेल हो गया है। इसमें सूझबूझ और रणनीति की आवश्यकता होती है। ये सबसे चतुर बुद्धि वाले लोगों के लिए चुनौती है। केवल आप जैसे ही खेल सकते हैं। आप खेलेंगे ना? अवश्य। परंतु महाराज, कोई भी खेल तब अधिक उत्साहवर्धक हो जाता है जब कोई पुरस्कार मिले। मैं द्यूत नहीं खेलूंगा। सही कहा, बिल्कुल सही। संभवतः मेरा यहाँ आना भूल था। आप बड़े ही बुद्धिमान और चतुर हैं। आपके बारे में सत्य ही सुना है। परंतु महाराज, जाने से पहले क्यों ना एक हाथ हो जाए बिना किसी दाव के। जब मैंने ये योजना बनाई थी तब सोचा था कि युधिष्ठिर को यहाँ लाकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। मैंने इसके बारे में दुर्योधन से बात की। समस्या थी, युधिष्ठिर के मृत्यु के बाद अर्जुन और भीम हमारे टुकड़े टुकड़े कर देते। ये एक अच्छा विकल्प था, मेरा विकल्प। सेनापति को रणनीति के खेल में फांस लो, सत्य और न्याय की बात करने वाले को पाप के मार्ग पर ले जाओ। हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता ही हमारा सबसे बड़ा बल होता है। अरे, वो धूर्त कहाँ गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह पितामह भीष्म, मैं तुम, यदि तुमने ऐसा फिर किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठिठोली महाराज, ठिठोली कर रहा था। मेरे पैसे कहाँ हैं? समय आने पर तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे, अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। ये लीजिए आपके साथी। आपने इनका ही उपयोग करने को क्यों कहा था? इसलिए कि ये मेरे पिता की अस्थियों से बने हैं जटासुर, ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। इनके अंदर जो शक्तियां छुपी हैं उनके कारण मैं कभी द्यूत में नहीं हारता। मैं संयोग का स्वामी हूँ। मेरे साथ चलिए महाराज शकुनी, खेल तो अभी आरंभ हुआ है। एक नए युग के आरंभ के मुहाने पर खड़ा होकर बड़ा अजीब सा लगता है।
ये पता ही नहीं लगता कि आने वाला युग शांति और सुख का सुनहरा युग होगा या दुख और तबाही का अंध युग होगा। कुछ समझ में नहीं आता। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में महायोद्धा एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि भारतवर्ष की नियति तय हो सके। उस युद्ध भूमि में महायोद्धाओं की हुकार गूंज रही है और इन महायोद्धाओं के साए में कुछ तो होना ही है। परंतु अब हम कुरुक्षेत्र की रणभूमि से दूर उस दौर में चलते हैं जब कौरव और पांडव हंसी खुशी साथ में रहा करते थे। एकाग्रता बनाओ अर्जुन, जैसा कि गुरु द्रोण कहते हैं, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन का निशाना चूक गया भैया। देखा क्या कहा था मैंने, ये उचित नहीं किया भीम भैया। अभी युधिष भैया का सिर कट जाता। और वो कभी उचित नहीं होता है ना। बिना शीश के हमारे प्यारे युधिष भैया अपना प्रिय कार्य गुरु द्रोण के चरण स्पर्श करना कैसे करते। परिहास बहुत हो गया दुर्योधन, कहो क्या कहना है। कुछ नहीं, मैं अपने भाइयों को अभ्यास करते देखने आया था। मैं हमेशा अनुचित मंशा से नहीं आता। अच्छा सुनो, मैंने जंगल में खजाना देखा और मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी मेरे साथ उसे चुराने, मेरा मतलब लाने चलो। मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। गुरु द्रोण ने उसे हमारी परीक्षा के लिए रखा होगा। मुझे इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। और हाँ, उसकी रक्षा एक बड़ा ही खूंखार राक्षस करता है। क्या कहा राक्षस, तो फिर चलो आज हम उस राक्षस का वध करेंगे। और फिर हमारे चार बहादुर बालक उस राक्षस का अंत करने चल पड़े उस घने जंगल की ओर। युधिष भैया, हम भी शिक्षा लेने आ गए। ओह, क्या आप चाहते हैं कि हम भी उनके पीछे चलें? अभी नहीं, ये उनकी कहानी नहीं है। युधिष भैया, ये कहानी उनकी है जो महारथियों के साए में रह रहे थे। वो फिर हमें छोड़कर चले गए, वो सदा से ऐसे ही करते आ रहे हैं। शांत हो जाओ नकुल। शांत हो जाऊं? उन्हें तो अभ्यास करने में हमारी सहायता करनी थी, पर वो रोमांचक यात्रा पर चले गए हैं हमें छोड़कर। फिर से एक बार ऐसा लगता है कि वो हम दोनों को भूल चुके हैं। ये तो अनुचित है ना। एक काम करते हैं, हम भी एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। सही कहा सहदेव, उन्हें जाने दो, हम अपनी रोमांचक यात्रा पर जाएंगे। केवल मैं और तुम, ये नकुल और सहदेव की रोमांचक यात्रा होगी, बहुत बड़ी। नकुल, क्या तुम्हें नहीं लगता हम जंगल में बहुत अंदर तक आ गए? हाँ तो चिंता की क्या बात है, हम उन्हें दिखा देंगे कि हम भी उनसे कम नहीं। मुझे अधिक चिंता इस बात की है कि लौटने में देर हो गई तो। डरपोकों की तरह बात मत करो, हम समय रहते घर लौट जाएंगे। और फिर हम भी योद्धा हैं, पराक्रम ही तो हमारा भोजन है। सत्य वचन नन्हे योद्धा, परंतु अब तुम्हें रोमांच के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि रोमांच तुम्हारे पास स्वयं आ गया है। सीधे सीधे बताओ, तुम मेरा और मेरे भाई का पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें भी तो खतरों से खेलने का रोमांच चाहिए ना। मैं निशाचर तुम्हें ये दोनों दूंगा। तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। करोगे ना मेरे नन्हे योद्धाओं? अगर तुम सफल हुए तो तुम दोनों संपूर्ण विश्व को बचा सकोगे। बताओ, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे और फिर इस बड़ी ही कठिन खोज पर जाओगे? सोचो, यदि सफल हुए तो संपूर्ण विश्व तुम्हारा गुणगान करेगा। हाँ। अति उत्तम,
मैं तुम दोनों को अपनी कहानी सुनाता हूँ। इसका आरंभ कई वर्षों पहले हुआ था, जब भारत की भूमि पर कोई भी योद्धा नहीं था। तब सूरज नया था और चांद का जन्म बस हुआ ही था। एक शहर हुआ करता था निमोर। वो मानव इतिहास का पहला स्वर्ग जैसा शहर था। निमोर जादू और अचरजों से भरा शहर था, बड़ा ही प्रसन्न और समृद्ध। परंतु उसकी समृद्धि को मानो किसी की दृष्टि लग गई। वहां विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा और निमोर का नाश स्पष्ट दिखाई देने लगा। मैं तब निमोर का मुख्य पुजारी था। मैंने वहां की प्रजा की शक्तियों को एक तलवार में इकट्ठा कर दिया ताकि वो फिर से जन्म ले सके। और एक दिन निमोर का अंत हो गया। विश्व का सबसे बड़ा महानगर सागर में समा गया। हमने जो कुछ बनाया था वो सब नष्ट हो गया। केवल मैं और मेरी तलवार ही बचे थे, जिसमें लोगों की आशाएं समाई थी। मुझे बंदी बना लिया गया था और वो तलवार भी नए महाद्वीप के दानवों ने मुझसे छीन ली थी। एक दिन मेरी मृत्यु हो गई, परंतु मेरी आत्मा इस आशा में भटकती रही कि मुझे अपनी प्रजा को पुनः जीवित करना है। तुम दोनों को उस तलवार को ढूंढ कर लाना है, उन दानवों से युद्ध करना है ताकि मेरी प्रजा पुनः जीवित हो सके। बताइए वो तलवार कहाँ मिलेगी? बताता हूँ, उसकी तलाश में तुम्हें इस वन के अंदर घने लताओं के बीच जाना होगा। मेरी तलवार वहीं रखी है, परंतु सावधान रहना। यदि वो दानव जाग गए तो तुम लोग कभी वापस नहीं लौट पाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहादुर योद्धा हो। यदि मेरी तलवार कोई ला सकता है तो वो तुम दोनों हो। बस सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में तुम दोनों की जान चली जाए। बता सकते हो कि अभी अर्जुन भैया और बाकी के भैया क्या कर रहे होंगे? वो हमारी तरह तलवार में बंद सभ्यता को तो नहीं बचा रहे होंगे, ये बात तो निश्चित है। मिल गई। चलो चलते हैं सहदेव। क्यों, क्या हुआ? किसने कहा? ये जिसे मिली है उसी की है, और अब ये हमारी है। तुम लोगों को अनुमान है कि तुमने क्या किया है? You cast your world into 10,000 years of darkness. I was the reason Nemor fell. I was the wizard that cast it into the ocean. I was the one that captured the souls of his people forever in this sword. मुझ जैसे शैतान का आज तक इस विश्व में जन्म ही नहीं हुआ।
आज मुझ में एक बार फिर से प्राण आ गए। प्राण आ गए हाँ? ये तो हमने सोचा ही नहीं। इस बात पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। अब क्या करेंगे? पूरा मत मानना नन्हे योद्धाओं, ये क्या कर रहे हो? हमने हमें निशाचर के प्राचीन शाप से मुक्ति दिला दी है, हम तुम्हारे आभारी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सरदार, हम जानते थे कि निशाचर बहुत ही बुरा है। हमने जब वो तलवार देखी तो हम समझ गए कि उसकी मंशा सही नहीं है। सत्य वचन, उसने हमारा घर नष्ट कर दिया और युगों से हमारी आत्माओं को इस तलवार में बंदी बना रखा था। हमने उसे मार डाला था परंतु उसके शाप से हम राक्षस बन गए। उसके बाद से ही हमने इस तलवार को उसे छुपा कर रखा था, परंतु आज तुमने हमें हमेशा के लिए मुक्त कर दिया और इस बात से प्रसन्न होकर हम तुम्हें ये तलवार उपहार में दे रहे हैं। आप भी साथ चलिए, हम महाराज पांडू के पुत्र हैं, आप भी हमारे साथ हमारे नगर में रह सकते हैं। नहीं, हम नहीं जा सकते। हम युगों से इस वन में रहते आए हैं, नए युग का सामना नहीं कर सकते। वचन दो कि हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगे ताकि हम लोग यहाँ शांति से रह सके। विश्वास रखिए सरदार, हम किसी को नहीं बताएंगे। और इस तरह मैं उन दो बहादुर योद्धाओं से मिला, परंतु उनकी कहानी यहाँ से आरंभ होती है। मुझे कैसे पता लगता कि वहाँ खजाना नहीं है? वहाँ तो गुरु द्रोण के गंदे वस्त्र रखे थे। शांत हो जाइए भैया भीम। तो आज तुम दोनों क्या करके आए हो? विश्व की रक्षा। मैं जानता हूँ कि हमारे नन्हे दोस्तों ने अपना वचन निभाया और अपनी उस रोमांचक यात्रा के बारे में किसी को नहीं बताया। वो महारथियों के साये में रहकर भी प्रसन्न थे और उन बहादुर योद्धाओं की गाथा भी बहुत कम लोगों को पता लग पाई, परंतु निमुर की प्रजा नकुल और सहदेव की उस महागाथा को कभी नहीं भूल सकती। चलो योद्धाओं, आज हम ये खेल समाप्त कर देते हैं। हत्यारे, दानव, राक्षस, विचित्र मानव, ऐसे ऐसे जीव जिनके लिए इस पृथ्वी पर कोई स्थान नहीं, और दुर्योधन ने उन्हें हमारे विश्व में आमंत्रित किया है। मैं कहां हूं? ये कौन सा स्थान है? सिर्फ मेरी आंखों के सामने ही अंधेरा नहीं छाया, परंतु उसने मेरे मस्तिष्क को भी घेर रखा है। मैं यहां तक कैसे आया और मैं कौन हूं? परंतु जो भी मुझे यहां तक लाया उसने मेरे लिए कुछ छोड़ा है। प्रकाश इस अंधकार में, ये एक उपहार है या शिकार करने का निमंत्रण? नहीं, बार बार मेरे मन में यही विचार आ रहा है कि कोई है जिसके बारे में सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं और वो भूखा है। और वो यहां अकेला नहीं है, उससे बचने के लिए मुझे उस दरवाजे के पार जाना ही होगा।
चलो बंद हो जाओ जल्दी। वो दरवाजा उन्हें अधिक समय तक रोक नहीं पाएगा। कदाचित मुझे यहां कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं उनसे लड़ सकूं। अरे ये क्या है? ये स्थान तो बहुत ही डरावना है। इन जीवों के साथ क्या क्या किया गया है? लगता है ये भी कभी मानव थे जो किसी विकृत प्रयोग का शिकार बन गए। कहीं वो मेरे साथ भी ऐसा ही तो नहीं करना चाहते? मैं अनुमान लगा सकता हूं कि उस प्रयोग का परिणाम क्या हुआ था। मुझे अपनी रक्षा के लिए कुछ ढूंढना होगा। हाँ, इससे काम बन सकता है। मुझे तुम्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है। रुको, मैं तुम्हारे दुखों का अंत कर देता हूं। मैं यहां अकेला हूं और यहां मेरे चारों तरफ बड़े ही डरावने जीव हैं और मेरे बचने की संभावना बहुत कम है। नहीं, मैं इन विकृत जीवों का शिकार नहीं बन सकता। मैं एक योद्धा हूं और युद्ध के मैदान में मैं ऐसे किसी भी शत्रु का नाश करने से नहीं घबराता। नहीं, छोड़ो, जाने दो मुझे। मैं एक योद्धा और युद्ध के मैदान में मैंने ऐसे कई शत्रुओं का विनाश किया। मैं इनसे नहीं घबराता। मेरे शत्रुओं को युद्ध के नियमों की कोई चिंता नहीं। मुझे उन जीवों ने बंदी बना लिया है जो इस पृथ्वी के हैं ही नहीं। कदाचित इस काल कोठरी में ही मेरे शत्रु सभी को बंदी बनाते हैं, परंतु वो मुझे नहीं जानते। एक बार मुझे मार्ग का पता चल जाए तो मैं अपने भाइयों को भी यहां से निकालकर इस बंदी गृह से सदा सदा। हाँ, ये क्या था? नहीं, नहीं, नहीं! उन्होंने अपना काम कर दिया। ये प्रकाश नहीं था, ये मेरे विनाश का आरंभ था। नहीं, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बच्चों, यहां तुम्हें बनाने वाला तुम्हें बुला रहा है। अपने भाइयों के साथ अपनी नियति का सामना करो। वो योद्धा बनो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम भी कभी मनुष्य थे, युद्ध भूमि में लड़ने वाले, परंतु पराजय के बाद तुम्हारे परिवार ने तुम्हें भुला दिया है। अब तुम्हारा एक नया परिवार है और अब तुम उस सेना का अंग हो जिसके पैरों तले पृथ्वी कांपने लगती है। अपने नए शासक के सामने सर झुकाओ, अपने नए सम्राट को नमस्कार करो। हम साथ मिलकर इस पृथ्वी पर नियंत्रण करेंगे। ये तुम्हारे भगवान है, महाराज दुर्योधन की जय हो, सर्प सम्राट की जय हो। सर्वसम्राट की जय हो, महाराज दुर्योधन की जय हो। आराम से सेनापति भीष्म, इस तरह तो ये युद्ध आज शाम तक ही समाप्त हो जाएगा। हमारे लिए भी कुछ छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? हाँ, अगर युद्ध भूमि में सब मेरी तरह लड़ने लगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ हमारे सेवकों को हमारे शत्रुओं की लाशों की सफाई करनी होगी। आपने सही कहा सेनापति भीष्म, हम इस पृथ्वी से उनका नाम मिटा देंगे, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। पांडवों को इतनी सरलता से मिटाया नहीं जा सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
वो भले ही हमारे शत्रु हैं, परंतु सच्चे योद्धा हैं और हमें उन्हें इतना सम्मान तो देना ही चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग युद्ध भूमि में अपने प्राण दे रहे हैं, हमारे सैनिक हों या उनके, कदाचित इनके प्राणों की आहुति काम आएगी। संभव है इस पागलपन से लोगों को एक अच्छी सीख मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। सेनापति भीष्म, आपके पीछे से शत्रु के दो विमान आ रहे हैं, एक बाई ओर और दूसरा दाई ओर। वो बड़ी तेज गति से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं सेनापति, आपको मारने के लिए। उनकी गति तेज है, एक बाएं है और दूसरा दाएं। आप ये क्या कर रहे हैं सेनापति भीष्म? अपना वेग बढ़ाइए, आपकी गति कम हो रही है। बालक, मैं तब से विमान उड़ा रहा हूँ जब तुम्हारे पूर्वज पैदा भी नहीं हुए। मुझे विमानों के बारे में मत सिखाओ। मेरा अंदाजा सही निकला। ये आपने कैसे किया महाराज? जानते हो ना इन्हें पांडव प्रशिक्षण शिविर में कौन सिखाता है? वो उल्टी खोपड़ी भी। अलविदा बच्चों, अब अगले जन्म मिलेंगे। सेनापति भीष्म, उत्तर पश्चिम से एक संदेश आया है महाराज, वहाँ हमारे काफी सैनिक मारे गए हैं। ये युद्ध है, रणभूमि में ये सब होता ही रहता है। वो पांडुपुत्र भीम है सेनापति भीष्म, उसने हमारी रक्षा पंक्ति तोड़ दी है, सीधा महाराज दुर्योधन की ओर बढ़ रहा है। मुझे वहाँ का मार्ग बताओ। जी सेनापति भीष्म। ऐसी कोई मूर्खता मत करो दुर्योधन, अगर वो तुम्हारे अधिक करीब आया तो महाबली भीम युद्ध आरंभ होने से पहले ही उसे समाप्त कर देगा। मैं एक महाराज और अपनी सेना का सेनापति हूँ, तुम्हारी तरह अपने बड़े भाई के इशारों पर नाचने वाला बंदर नहीं। और तुम्हें ज्ञात नहीं मेरे कई उत्तरदायित्व भी हैं। याद रखना, जब कुत्ते तुम्हारी लाश को नोचेंगे तब मैं खड़ा होकर तमाशा देखूंगा। जानते हो भाई भीम, बचपन में हमारे बाकी के भाई तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें जानवर कहते थे, तुम्हें कई नाम से पुकारते थे, परंतु तब मैं उन्हें ऐसा करने से रोकता था। मैं नहीं जानता था कि तुम सच में एक जानवर हो, खूंखार जानवर। तुम तो स्वप्न में भी कुत्तों को लाश नोचते हुए देखते हो। ऐसा व्यतीत होता है कि तुम भी उनके जैसे बन गए हो। रोको उसे। उन पर भूत सवार है महाराज, हम उन्हें नहीं रोक सकते। तो सहायता के लिए और लोगों को बुलाओ। उसे रोकने के लिए जो भी करना पड़े करो, उसे कैसे भी रोको। परंतु अब कुछ नहीं हो सकता, सहायता आने के पहले वो हमें समाप्त कर देंगे। ये कैसी आवाज है? मुझे संदेश मिला कि यहाँ सहायता की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ चला आया। युद्ध लड़ने के भी अपने नियम कायदे होते हैं, परंतु मेरे पास एक अच्छी योजना है। हम इसे उन पुराने तरीकों से लड़ते हैं और ये किस्सा समाप्त करते हैं। नतीजा क्या होता है उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अति उत्तम पितामह, प्रसन्नता है कि आप युद्ध करना चाहते हैं। रणभूमि को देखिए पितामह, कुरुक्षेत्र में चारों तरफ पांडव सैनिकों के शव पड़े हैं। हम ये युद्ध जीत चुके हैं। अभी नहीं महाराज, पांडव अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। आप उन्हें बड़ा महान समझते हैं ना पितामह, परंतु आप उनके सबसे बड़े योद्धा को भी एक बार में समाप्त कर सकते हैं, इतने से ही उनका साहस टूट जाएगा। उन्होंने अपने पिल्लों को हमारे विरुद्ध युद्ध करने भेजा है, तो हम उन्हें सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर देंगे।
अपने चाचा भीम की सहायता के लिए अभिमन्यु आया है। उसे आने दो, वो अपनी मृत्यु की तरफ चला आ रहा है। आज मैं शाम को अर्जुन के पास उसके भाई और पुत्र का शीश भेजूंगा। शल्य को बुलाओ। आपने मुझे बुलाया महाराज। हाँ, तुमने इस युद्ध में मेरा साथ देने का वचन दिया है। आज वो समय आ गया है जब तुम्हें ये साबित करना है कि तुम अपने वचन के पक्के हो। भीम और अभिमन्यु का वध कर दो और उनका शीश मेरे पास लाओ। आप मुझसे मेरे ही रिश्तेदारों का वध करवाना चाहते हैं महाराज। चाहता नहीं हूँ, तुम्हें करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें अपने रिश्तों की चिंता है या वचन की। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वचन तोड़ने वाला कहूँ? जी नहीं, मैं आपके आदेश को पूरा करूंगा महाराज। शाम होने तक आपको उनके शीश मिल जाएंगे। अति उत्तम अभिमन्यु, तुम सचमुच अपने पिता की ही संतान हो। नाना शल्य, आपने मेरे पिता का नाम लेने का दुस्साहस कैसे किया? आपके मुख से मेरे पिता का नाम शोभा नहीं देता धोखेबाज नाना। आप भूल गए कि कभी आप तात युधिष्ठिर के साथ मदिरा पान किया करते थे और आज आपने उनके ही भाइयों को बेड़ियों में जकड़ लिया है। साफ दिख रहा है कि आप दुर्योधन के पालतू कुत्ते बन चुके हैं। नहीं, मैं सिर्फ अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मैं एक योद्धा हूँ। सच तो यह है कि आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं, जिसे अपने ही रिश्तेदारों से धोखा करने पर बाध्य कर दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चाचा भीम ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि हम पांडव कभी मूर्खों से नहीं हार सकते। भी मुझे जकड़ा नहीं जा सकता और मेरे प्रतिशोध की प्यास किसी भी हाल में आज तो नहीं बुझने वाली। नहीं, भीम फिर से मुक्त हो गया। असंभव। गुरु द्रोण, समय आ गया क्या? जी हाँ महाराज, सूरज ढलने वाला है। हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। किस बात का समय आ गया है? तुम क्या करने वाले हो दुर्योधन? मैं कुछ नहीं करूंगा, आप करेंगे पितामह। सौर अस्त्र का उपयोग करके पांडवों को समाप्त कीजिए। क्या सौर अस्त्र? परंतु महाराज, ध्यान रहे, युद्ध भूमि में हमारे सैनिक भी हैं। मैं जानता हूँ, बस वो कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। जो आज्ञा महाराज दुर्योधन। हाँ, आकाश से अग्नि की वर्षा करवाइए।
इस पृथ्वी से पांडवों का नाश कर दीजिए। मेरे शत्रुओं को भस्म कर दीजिए। मेरे सैनिक भी मेरे सम्मान के लिए जलकर अपने प्राणों की आहुति देंगे। अपनी अपनी ढालें नीचे झुका लो और मेरे आदेश पर उन्हें फिर से उठा लेना। उठाओ, अपनी अपनी ढालें उठा लो। ये तुमने क्या किया दुर्योधन? देखिए पितामह, देखिए हमने क्या किया। कितना सुंदर दृश्य है ये। वो आ चुके हैं महाराज, उसे यहां ले आओ। शल्य, जब मुझे पता लगा कि तुम उस अग्नि में बचकर अपने शिविर में लौट आए हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। परंतु इस बात का दुख भी है कि तुम मेरे लिए भीम और अभिमन्यु का शीश नहीं ला पाए। महाराज, मैंने मुझे अपने बहाने मत सुनाओ। मैं तो तुम्हारी असफलता के बाद तुम्हें मृत्यु दंड देना चाहता था, परंतु मित्र कर्ण ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी। शल्य कौरव सेना के एक महान योद्धा, मैं तुम्हारा महाराज आज और अभी से तुम्हारी ये उपाधि छीन रहा हूँ, और आज से तुम कौरव सेना में कर्ण के सारथी का कार्य करोगे। अद्भुत, बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। महान योद्धा भीष्म दूसरे योद्धाओं को अपनी नियति का फल भुगतते देख रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर आपने भी मेरी तरह प्रतिज्ञा ली होती गुरु द्रोण, तो आपकी समझ में आता कि दूसरों को ऐसे हाल में देखने पर क्या अनुभूति होती है। परंतु हमने तो इन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी थी, हमने तो अच्छी बातें सिखाई थी इन्हें। ये विश्व बड़े लंबे समय से ऐसा ही है जैसा हम देख रहे हैं गुरु द्रोण। शायद ये नया युग है। कर्ण, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये सब करने वाला हूं तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तो क्या तुम अपने महाराज के आदेश का पालन नहीं करोगे सारथी? कदाचित तुमने अपनी मूर्खतावश उनका साथ देने का वचन दिया था और अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हो। परंतु तुमने उन्हें वचन दिया है और एक सच्चा योद्धा अपने वचन का हमेशा पालन करता है। तुमने मेरे साथ ऐसे बात करने का दुस्साहस कैसे किया? ये मत भूलो कि तुम एक सारथी हो और मैं महाराज का दाहिना हाथ हूं। असंभव,
देखो ना, मैं एक सारथी पुत्र हूँ, परंतु युद्ध भूमि में बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध करता हूँ। मैं महाराज का दाहिना हाथ बन चुका हूँ और मैं विश्व का सबसे महान योद्धा हूँ। मेरा नाम कर्ण है और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मेरे सामने कुछ कहने या करने से पहले 10 बार सोचना। बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं जानता हूँ जब तक ताद भीष्म जीवित है तुम रणभूमि में नहीं जा सकते। सही कहा, परंतु ये कौन जानता है कि कल युद्ध भूमि में क्या होने वाला है या फिर परसों। तुम अपनी किसी बात का पालन भी करते हो? हाँ करता हूँ, और मैं हमेशा अपने वचन का पालन करता हूँ। अब जाओ और कल के लिए मेरा रथ तैयार करो, हो सकता है कि आवश्यकता पड़ जाए। एक नया विश्व। बड़े बड़े दार्शनिक और कवि युगों से एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, एक राजा के मन में क्या चलता है। परंतु आपके मन में क्या चल रहा है यह जानने के लिए उन दोनों में से कुछ भी बनने की आवश्यकता नहीं है। अब आप स्वयं ही बता दीजिए भैया युधिष्ठिर कि एक राजा क्यों नहीं सोता है और अपने अंतर मन से क्यों लड़ता रहता है। लाखों लोग कृष्ण, लाखों लोगों को एक झटके में जला दिया गया, और अभी तो युद्ध का पहला ही दिन है। जब मैंने अपने साम्राज्य के लिए दुर्योधन को चुनौती दी थी, तब मेरे मन में जो डर और संदेह था, वो आज युद्ध के दूसरे दिन का सूरज निकलने के पहले मेरे सामने खड़ा हो गया है। ये सब मेरे कर्मों का फल है कृष्ण, मैं हूं उनकी मृत्यु का कारण। ये सारे लोग मेरे कारण मारे गए और अभी और भी मारे जाएंगे, परंतु यदि मैंने दुर्योधन की बात मान ली होती तो आज वो सभी जीवित होते। मुझे कोई परामर्श नहीं चाहिए, राजा को इन सब का सामना करना ही पड़ता है। प्रश्न ये है कि हमारे सैनिक मेरे सम्मान और अधिकार के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। पता नहीं मैं ये युद्ध कितने दिनों तक लड़ पाऊंगा। मुझे नींद नहीं आती है कृष्ण, क्योंकि उन सबकी मृत्यु का चुनाव मैंने ही किया है। जब नदी उनकी अस्थियों को निगल जाती है, तब मैं ये सोचता हूं कि क्या मैंने सही निर्णय किया है। मुझे नींद नहीं आती है कृष्ण, क्योंकि उन सबकी मृत्यु का चुनाव मैंने ही किया है। जब नदी उनकी अस्थियों को निगल जाती है, तब मैं ये सोचता हूं कि क्या मैंने सही निर्णय किया है। मेरी ओर देखिए युधिष्ठिर भैया, जिस राजा को अपने लिए मृत्यु को गले लगाने वाले सैनिकों की परवाह ना हो, उसे राजा होने का कोई अधिकार नहीं। आपके कंधों पर भारी बोझ है, परंतु दुर्योधन को रोकने के लिए कुछ ना करने के बोझ के सामने ये बोझ बड़ा ही हल्का है। आप तो बस नियति की बिसात पर बिछे मोहरों को सही दिशा देने वाले हाथ भर है। विश्व में ऐसा कोई नहीं जो इस बोझ को उठा सके, बस एक आप ही है युधिष्ठिर भैया जो टूटेंगे नहीं। जब मार्कंडेय ऋषि 4 युगों की कथा सुना रहे थे, तब भी मैं आपके साथ था। आप इस बात के साक्षी बनेंगे कि इस युद्ध का परिणाम किस तरह से हमारी आने वाली पीढ़ियों की नियति तय करेगा। क्या राजाओं का एक महान वंश आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रसन्न और समृद्ध युग का निर्माण करेगा, या फिर इस विश्व पर ऐसे कुटिल राजाओं का शासन होगा जो हमेशा के लिए आम जनताओं की प्रसन्नताओं और स्वतंत्रता को छीन लेगा। नियति ने आपको और आपके भाइयों को चुना है ताकि आप सभी युगों के बीच की इस दरार को मिटाकर आने वाली पीढ़ियों को एक प्रसन्न भविष्य दे। क्या आपको लग रहा है कि आपकी नियति आपको उस दिशा में ले जा रही है? क्या आप अपने बोझ को हल्का करना चाहते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार पाना चाहते हैं? हाँ कृष्ण। तो फिर अपने मन में बैठा संदेह निकाल दीजिए, क्योंकि आप जिनके शव देख रहे हैं उन्होंने अपने राजा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये युद्ध बार बार आपकी परीक्षा लेगा, परंतु इतना याद रखिए कि आप ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं।
मुझे तो याद है, जब मैं छोटा था तब मेरे गुरु कहा करते थे कि मैं विश्व का सबसे महान धुरंधर बन सकता हूं। पांडु पुत्र अर्जुन की नियति थी विश्व का सर्वोत्तम योद्धा बनना, एक महायोद्धा बनना। मगर मैंने कभी उस उपाधि की परवाह नहीं की। अगर मुझे अपने भाइयों के साथ अज्ञातवासी करना था तो फिर उन उपाधियों का क्या अर्थ था। परंतु अब समय बदल गया है। मेरे भाई, मेरा पुत्र, मेरे सैनिक चाहते हैं कि मैं उस उपाधि को सार्थक करूं। परंतु मैं उन्हें कैसे बताऊं कि सबसे महान धुरंधर की उपाधि का असली हकदार मैं नहीं हूं। महाराज भीष्म, आपको नींद से जगाने के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु अब अगर आगे तुमने ये नहीं कहा कि महाराज दुर्योधन ने आपको बुलाया है तो अपना अंजाम सोच लेना बच्चे। मैं यही कहने आया हूं कि महाराज ने आपको बुलाया है।